मुझे डर है कि कहीं बारिश नहीं नहीं देवी जी ऐसा नहीं होने देंगी। मजा खराब हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो थक्के करा को इस बार भी जीत मिलकर रहेगी। तुम क्या कहते हो वारियर? अच्छा सुनो, कोई शक नहीं इसमें, महाबली अर्जुन मामूली हाथी नहीं है, बहुत ऊंचा हाथी है वो। लेकिन इस बार समस्या ये है कि उसे खेल में भेजने के लिए उसके मालिक ने 3 लाख रुपए मांगे। ऐसा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम ताज को हाथ से जाने नहीं देंगे। पुराने समय से ही हमारी जीत हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती आई है। इतना निश्चिंत भी मत हो जाना, क्योंकि हमें विडेकरा के लोगों से सावधान रहना होगा, वो एक नंबर के गद्दार लोग हैं। अनिरुद्ध का हाथी बलराम इस बार उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। भगवती के आशीर्वाद से इस प्रतियोगिता में जीत हमारी ही होगी। फैसला हो गया है, निर्धारित समय के अंदर देवी माँ के मंदिर के गेट के सामने बिना किसी छल के हाथियों की माप कराई जाएगी। और पता है उन्हें कौन मापेगा? वही अपना हाथी प्रेमी कृष्ण प्रसाद। इस बार भी पक्की हमारी ही जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जीत तुम्हारे सपनों में हो रही है। अब आप कौन है भाई? मैं पुली कथरा हूँ। तो इतने पुलकित क्यों हो रहे हो? हाँ, तो फिर आखिर मैं विडेकरा के अनुरुद्ध के हाथी का मैनेजर हूँ, मतलब पीए। इन्होंने कहा पीए, तो पीए का मतलब मुझे लगता है कि पजामा है। तुम हंसना बंद करो, मुझसे पंगा मत लेना। अगर तुम लोग इस प्रतियोगिता में जीतने का सपना देख रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि माप कौन लेगा, अनिरुद्ध जी का हाथी ही जीतेगा। मैं याद सबके सामने बोल कर जा रहा हूँ, तुम लोग बस देखते रहना। अरे तुम जाओ पुलिका थरा। नहीं, भगवती की कृपा से प्रसाद के हाथी के सिर पर ही ताज होगा, देख लेना। जरूर देखेंगे। हाँ जाओ। हमारा त्योहार शुरू हो गया भाई। सुनो पंडित, हाथी पहले यहाँ से जाएगा, काम शुरू करो। ऐसे कर सकते हो? माफ करने वाला नहीं आया, इंतजार करो। वो माफ करने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, सब कुछ समय पर होना जरूरी है। हम इसके लिए 5 मिनट दे रहे हैं, उसके बाद ये किसी और से करवा लेंगे। रमन है, कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रहा है? अगर वो यहाँ नहीं आया तो मुसीबत हो जाएगी। विडेकरा के लोग वैसे भी हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं, वो ताज जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अनिरुद्ध को जानते हैं, वो बहुत धोखेबाज है। अरे भाई थोड़ा विश्वास रखो, अगर वो धोखेबाज है तो हमारा कृष्ण प्रसाद एक शांति दूत है, इसके जैसा ईमानदार कोई नहीं है। ये रामचंद्र है और आजकल ये सुर्खियों में बहुत बना हुआ है, बिल्कुल हमारे लोकल हाथियों जैसा लगता है, लेकिन है असम का। ये प्राचीन ग्रंथों में दिए हुए लगभग सारे संकेतों को पूरा करता है। इसका घर का नाम है वीरप्पन। वीरप्पन? पर क्यों? क्योंकि इसे जंगलों में रहना बहुत पसंद है। छोटा था ना तब भी जंगलों में भाग जाया करता, इसीलिए इसका नाम वीरप्पन रखा। बहुत मॉडर्न है ये, इसे तो व्हाइट हाउस में होना चाहिए था। प्रसाद जी, सच कह रहा हूँ, हाथियों से ज्यादा आप ही हो जिसने हमारा इस तरफ ध्यान खींचा। क्यों नहीं, आपकी एक फोटो ले लूं मैं? रामचंद्र, फोटो के लिए पोज दो। बहुत हो गया, अब ये जिम्मेदारी किसी और को देनी होगी। मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा है और हाथी भी थक गए हैं। अभी समय है, हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। नहीं, हम अभी उनकी माप कराएंगे। वो आने वाला नहीं है, जरूर भाग गया होगा, अनिरुद्ध मास्टर से डर गया होगा। देखो वो आ गया, देखो आ गया, आ जाओ आ जाओ। सबको मेरा नमस्कार। तो फिर शुरू करें हम। विडेकरा का बलराम, ये तो अनिरुद्ध का राजसी हाथी। ये बिहार का है, हमारी जगह से ज्यादा परिचित नहीं। 13 महोत्सव में हिस्सा लिया है जिसमें 10 बार जीता है। महाबली अर्जुन, महाबली रमेश का इकलौता हाथी, इसने जितने भी महोत्सवों में हिस्सा लिया है सबको जीता है। सभी देवी देवताओं का पसंदीदा हाथी है। डींगे हाँकना बंद करो और इनकी माप शुरू करो। ठीक है। अर्जुन तैयार हो, पकड़ो।
ये जरा इधर आना। हाँ बोलो। ये क्या? पता नहीं है क्या? नहीं, सिर ऊंचा रख देंगे। इतनी छोटी सी बात नहीं समझते। देखो पुलिकथरा, एक हाथी का सिर पहाड़ की चोटी की तरह ऊंचा होना चाहिए ताकि जब उस पर मुकुट लगाया जाए तो चमकते सूरज जैसा लगे। बच्चा मत समझो, एक हाथी का सिर उसे खुद ऊंचा रखना चाहिए, न कि लकड़ी लगानी चाहिए। ए, चलो हटाओ उसे, चलो माफ करना शुरू करें, आ जाओ। नीचे लाओ, नीचे लाओ, वहां तक ले जाओ, वहां तक। माप पूरी हो गई क्या? तो जीतने वाले के नाम की घोषणा करो। ठीक है। हाँ, तो नापने के बाद मांबली अर्जुन का सिर 312 सेंटीमीटर ऊंचा था। वहीं वेडकेराव का बलराम 307 मीटर ऊंचा रहा। सिर्फ 5 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसमें कोई शक नहीं कि देवी जी का मुकुट धारण करने के लिए मांबली अर्जुन ही सबसे योग्य है। जिम्मेदारी लेता है, आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं है। हमारी जीत से जल रहे हो लगता है। गलती तो जरूर हुई है, मुझे पूरा शक है। प्रसाद मेरे साथ इधर आओ। अरे क्या हुआ? इधर अच्छा। हे, क्या तुम अनिरुद्ध मास्टर के बारे में नहीं जानते? ये हार उनके लिए बहुत शर्म की बात होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बात मापने वाले की सुनी जाती है, तुम्हें हमारी बात जरूर माननी होगी। पैसे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं जानता हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। और भाई बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और घर में सब कुछ ठीक? वो भी ठीक है। तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। चलो आ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया ना? आज तो कोई शक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। ऐसा है तो मेरे भी एक काम है, चलो। नहीं है, यही रुकते हैं ना। ठीक है। टेक केयर कराकी। दिन तक इसे खाने के लिए कुछ मत देना, भूखा रहने दो। तूने मुझे कई सारे लोगों के सामने अपमानित किया, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सुना, इसे इसके पैसे दो और इसे चलता करो। इसके जैसा महावत मुझे नहीं चाहिए। साहब ऐसा मत करो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इस त्योहार में हिस्सा ले, मेरे हाथी को जीत मिलनी चाहिए। इसके जरिए ही मेरी पॉलिटिकल पब्लिसिटी होगी। मैं इन हाथियों को खुद को सुर्खियों में रखने के लिए पाल रहा हूँ, बाकी इनसे कोई लगाव नहीं है। चलो बताओ मंदिर परिसर में क्या हुआ था? वहाँ जो हुआ वो आपको देखना चाहिए था। पहले हमारा हाथी शान से खड़ा हुआ, उसके बाद मांबली अर्जुन आ गया। जब उसके हाथी ने सिर उठाया तो हमारा हाथी छोटा पड़ गया। अगर आप वहाँ अर्जुन का रुतबा देखते तो हिल जाते मास्टर साहब, हिमालय जैसा लग रहा था। अरे गलती से निकल गया। वही है गले की हड्डी, वो बदमाश हाथी के प्यार में पागल है। गौरी से उसका क्या कनेक्शन है? सीधे सीधे बताऊं तो उसकी वजह से वो लड़की अब बेघर होने वाली है। वो हम ही थे जिन्होंने मिलजुल कर शुरू किए गए डांस स्कूल को बंद करवाया। आप जानवरों को मारते हैं, इसका पता चलते ही आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई। इतना ही? अरे नहीं नहीं, पार्टी का जिला सेक्रेटरी, एलिफेंट एसोसिएशन मेंबर, सोसाइटी बैंक प्रेसिडेंट, इन पॉलिटिकल पावरों का इस्तेमाल ऐसी स्थिति में ही किया जाना चाहिए ताकि मैं अपने विरोधियों को मुट्ठी में कर सकूं। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? मुझे दर्द होगा तो? बिल्कुल होगी। इसी तरह अगर उसे परेशान किया तो प्रसाद को दर्द होगा। ये किसी मामले में रुकने वाला नहीं है। क्या बोला? कुछ नहीं साहब। चाचा जी, आपकी प्रतियोगिता हो गई क्या? प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? बातें मत बनाइए, सबको पता है। कोई आपको रिश्वत देने के लिए यहाँ आया था। रिश्वत? उसे छोड़ो, भाई को तो पता नहीं ना। उन्हें भी पता चल गया है। भगवान, तुमने तो मेरे बाजार जाने की हेडेक बचा ली। सब्जियां लेकर आ गए, वैसे भिंडी लेकर आए हो क्या? कैलेंडर है। कैलेंडर एक बार दिखाओ ना मुझे। नहीं, हाथी है। उधर जाके रख दो। सरसू,
क्या आज रात खाने में मनाने के लिए यही है तुम्हारे पास? ये कहाँ से मिला? तुम्हारे भाई का गिफ्ट है। बेवकूफ कहीं का, कहाँ से आ गया? देखो देखो दो हाथी एक साथ भाग यहाँ से। पागल उन्नी अम्मा। अरे क्या डरा। देखो मैं अपनी प्यारी माँ के लिए क्या लेकर आया हूँ, साक्षात गुरु वायुर केशवान। इसकी जगह तुम भगवान श्री कृष्ण की फोटो ला सकते थे। अम्मा केशवान कोई आम हाथी नहीं है जैसा तुम सोचती हो, ये बहुत ही दिव्य हाथी है। तुम्हें इसकी कहानी सुननी चाहिए। एक दिन जब वो आ रहा था। मुझे नहीं सुननी है केशवन की कहानी। इस तरह अपने हाथी की कहानी सुना सुना कर हमें परेशान करने के बजाय खेती की। अच्छा मजाक किया। क्या मेरी अभी की नौकरी इतनी खराब है? मैं गुरुवार प्रशासन की तार की सप्लाई करने वाला ठेकेदार हूँ, इससे अच्छी नौकरी और क्या होगी? अम्मा थोड़ी दिन और रुको, हमारे घर के आंगन में हाथी का शेड लगा होगा, उसमें कई सारे हाथी पालूंगा। उस वक्त तुम्हें सबसे बड़े पद पे रखूंगा। तुम चलोगी तो चारों तरफ हाथी हाथी होंगे और सबसे आखिर में मैं तुम्हें गुरुवायूर मंदिर भी ले चलूंगा। याद रखो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। चलो जाओ जाओ, मेरे पास बहुत सारे काम है, जाओ। आपने कहा था ना हाथी की कहानी सुनाएंगे। माँ इसे पकड़ना। चलिए ना। एक बार की बात है, एक हाथी था, उसका नाम तिरुंकर कोचंबन था। बहुत ही महान हाथी था। वो कितना बड़ा था? लगभग 10-11 फीट का था। उसका रंग? गहरा भूरा रंग था उसका। बड़े बड़े दांत, बड़ा सा सिर, इतने भारी कान थे। फिर पता है क्या हुआ? त्योहार के मौके पर अपना सिर ऊंचा किए धीरे धीरे हिलते डुलते वो भीड़ के बीच चला आ रहा था। वहीं मेले में एक 7 साल का लड़का अपने पापा का हाथ पकड़ कर आता जा रहा था। अचानक एक घटना घटी, हाथी पागल हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, चारों तरफ कोहराम मच गया। पता है इतने हंगामे के बीच वो लड़का कहाँ खड़ा था? उस पागल हाथी के ठीक सामने खड़ा था। यहाँ पे हाथी, इस तरफ लड़का। हाथी लड़के की तरफ बढ़ता हुआ पास आता जा रहा था। लड़का डर के मारे कांप रहा था। हाथी ने अपना पैर उठाया। लड़का सामने ही था लेकिन हाथी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद लड़का भाग गया। क्या तुम लोग दिमाग पर जरा जोर देके बता सकते कि वो 7 साल का लड़का कौन था? प्रसाद चाचा आप ही होंगे। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ये कहानी हजारों बार सुनी है। अच्छा ऐसा है, तो चलो दूसरी कहानी सुनाते हैं। थेंगा ना गोपालन। अरे प्रसाद, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम तो पहले से मन बुद्धि हो, अब अपनी बेकार कहानी सुनाकर इन बच्चों को मत बिगाड़ो। जा जी, ये हाथी की कहानियां ही तो है। वही तो, इसके एक टीचर ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, पता है क्या जवाब दिया? नहीं, मैं महावत बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, तुम्हारे हिसाब से अच्छी बात है। जब कोई महावत का बाप बोलेगा तब क्या? चलो तो जाकर पढ़ो। चलो चलो तेरी तो। अगर वो इसी तरह चलता रहा तो दिक्कत हो जाएगी। हमारी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने तुमसे कहा था कि हमारा हिस्सा मांग लो, लेकिन तुम तो ऐसा करने वाली हो नहीं। मैं उनसे कैसे पूछूं? हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने। मेरे पिताजी की मौत के बाद उन्होंने ही हम सबकी देखभाल की, और तो और उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमारे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। ऐसे इंसान से हम भला अपना हिस्सा कैसे मांग सकते हैं, बताओ। अपना मुंह बंद रखो और उन्हें उसी में रहने दो। जैसा कि थम्बी ने मुझसे कहा था कि वो हमारी बेटी के लिए किसी महावत का रिश्ता लेकर आएगा, ऐसा कहा था। सुनो प्रसाद, तुम्हारा मचाया हुआ हंगामा हर किसी को पता चल गया है। आखिर तुम चाहते क्या? देखो, किसी भी चीज की अति करना बुरा है। पता है तुम्हें हाथियों से प्रेम है, लेकिन उसकी वजह से अपने दुश्मन मत बढ़ाओ। अभी तो हर कोई तुम्हारे साथ है, लेकिन मुसीबत आएगी तो कोई खड़ा नहीं होगा। तुम हमेशा हर काम अच्छे इरादे से करते हो, लेकिन दूसरों के बारे में ऐसा सोचना गलत है। हर दिन तुम एक नई समस्या खड़ी करते हो। हाँ देखो, एक और बात, अनिरुद्ध के खिलाफ मत जाओ, राजनीति में उनका बहुत ज्यादा दबदबा है। अरे जाने दो, जाने दो, छोड़ो ना। इतना काफी है, बाकी बचा हुआ ऊपर जाकर पीऊंगा, नहीं तो कोई और भी आ जाएगा हिस्सा मांगने के लिए। चलो भाई। जरा सुनो भाई, जब भी चढ़ने जाता हूँ कोई ना कोई मुझे बुलाने के लिए आ जाता है। ये थेरा मंगल लक्ष्मी की बेटी गौरी का घर कहाँ है? कोर्ट से आयो, कोई सजा सुनाई गई है क्या? अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कोई नहीं है जो इसे यहाँ तक ढूंढता हुआ है। चलो पहुँचा देता हूँ। तारा
ये है गौरी, जो बात करनी कर लो। क्या है वो? मैं कैसे बताऊं, ये जिम्मेदारी लेने की यही सबसे बुरी बात है। मैं सिर्फ बुरी खबर ही दे सकता हूँ। ये वर्दी पहनने वाले लोगों से लोग नफरत ही करते हैं, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। क्या बात है? बताऊंगा, लेकिन बुरा मत मानना, कोई गलत फैसला भी मत करना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। बताइए तो बात क्या है? दरअसल इस घर को जब्त करने का नोटिस है। आहा, तो ये है? आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। हाँ, दो साइन करके देती हूँ। दीजिए दीजिए जल्दी। सुनो, अपने हाथी प्रेमी मालिक से कहना कि मैं आज ही उनसे मिलने आने वाली हूँ, ठीक है? माँ, जब्ती का नोटिस आया है। अरे समझ में नहीं आया क्या? मैंने कहा था ना तुमसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दिनों जब्ती कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये देखो, मेरी ये रस्सी भी गिरवी की है, लालपन ताड़ वाले की दुकान से ली थी। तेरे की ये टकला तो अजीब है, अजीब बोलता है। आखिर तूने इस दुख को कैसे सहन किया? तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारे साथ रोती रहूं? कोई नहीं सुनेगा। इतने सालों से सब अकेले सहा है ना, और तुम ही थी जिसने मुझे हर चीज का बहादुरी से सामना करना सिखाया। बोलो, सिखाया है ना? इतनी सहन शक्ति तो मेरे अंदर भी नहीं है बेटी, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, ये तो बस नोटिस ही है ना, पूरी प्रक्रिया में बहुत टाइम लग जाएगा, उससे पहले हम किसी तरह इसे रोक लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, जिसने हमें घर जब्ती की हालत में पहुँचाया है वो हाथी प्रेमी कृष्ण प्रसाद है। एक बार मुझे उससे मिल लेने दो। बेटा प्रसाद, प्रसाद, त्योहार के बाद तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। चलो मैं तुम्हें अपनी दुकान की चाय पिलाता हूँ। वो किसी और दिन पी लेंगे, आज मैं बहुत जल्दी में, हाथियों के लिए ताड़ के पत्ते का इंतजाम नहीं हुआ। कोई बहाना मत बनाओ बेटा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो आ जाओ, चलो। बेटा प्रसाद, ये अचानक गायब कहाँ हो गया? अब समझ गया, ये तो जब्ती का मामला है। क्या हो रमन चाचा, आपने कुछ कहा क्या? मेरी पत्नी ने अमूल दूध का पाउडर मंगाया है और उजाला पाउडर भी, मैं जा रहा हूँ। बचकर निकल रहे हो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। और क्या, ऐसा लगता है तुम करोगी तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या फिर से मुझे कुछ कह रहे हैं? कभी तो हाथ लगेगा ही। मुझे अच्छी तरह पता था उससे छुपने के लिए तुम यहाँ आओगे, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है बेटा? क्या करे रमन जी, मुझे उसकी मदद तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। अरे बातें करना बंद करो और मेरे लिए चाय लेके आओ। अरे तुम्हारी नपाई कमाल की है, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, हमारी जीत का सारा श्रेय प्रसाद को ही मिलना चाहिए बस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद। हाँ, ये थाई कट्टू सेरी जी है, कथकली शो की बुकिंग के लिए आए। कलामंडलम, कोटक्कल और पट्टिकन थोड़ी तीन जगह है। कोटक्कल में शिवरामन मास्टर होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ क्या चल रहा है? मान सकते हैं सब सही है। अच्छा ये बताओ, कलामंडलम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वहाँ की तो प्रसिद्धि ही अलग किसी है। किसी तरह के संदेह की जरूरत नहीं है, कलामंडलम ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर कलामंडलम के लिए निकलते हैं। चलो चलते हैं फटाफट। कल तो आसमान फट गया और ऐसी बारिश हुई। इसी बात पर मुझे कुछ याद आ गया, क्या तुम कलाथिंकल कल्याणी की बेटी को जानते हो? जानता हूँ, वही घुंघराले बालों वाली लड़की, उसके जैसी कोई नहीं है। कल वो पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई सीधे मेरे पास चली आई थी। उसके घुंघराले काले बाल उसके शरीर से चिपके हुए थे, उसकी बिंदी जैसी आंखें, भीगा हुआ बदन और उसके कांपते हुए होठों को देखकर मेरे मन में कुछ ख्याल आ गया। सही कहा, उस बेचारी लड़की को कितनी सर्दी लग रही होगी। अरे तुम क्या सोच रहे थे भाऊ? देखो, हाथियों के ताड़ के पत्तों का कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सोचो ना, पूरे 64 हाथी हैं, और ऊपर से तुम्हारा हाथी प्रेम भी। मैंने तो ये सोचा था कि तुम पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे, पर तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्या हुआ नंदन जी, क्या समस्या आ गई? तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या? अपने एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह माल पहुँच गया। ओह,
थंकप्पन ने अब तक हमारे यहाँ लोड नहीं पहुँचाया। अभी बात करता हूँ उसे। तुम्हारा हाथियों के प्रति जो प्रेम है वो बोझ बन गया। रुकिए, देख लीजिए, रिकॉर्ड किए हुए मैसेज मुझे बर्दाश्त नहीं होते। मन करता है कि इसे अभी तोड़ दूं मैं। जब किसी को कॉल मिलाता हूं तो नेटवर्क नहीं मिलता और पॉकेट में बिल चुकाने के लिए चेंज भी नहीं होते। नोकिया है क्या? हाँ। बस थोड़ी देर के लिए। अरे थंकंपन, कहाँ हो तुम? अभी तक तुमने लोड क्यों नहीं पहुंचाया? अभी ताड़ के पेड़ पे हूँ। अरे तुम वहाँ क्या करने पहुँच गए? नदेशन के कुत्ते की वजह से अभी मुझे जाने नहीं दे रहा है। हाँ? नदेशन बोल रहा है तब तक जाने नहीं दूंगा। अरे जब तक पिछले महीने का उधार ना चुका दूं मैं। अगर मैं नीचे आया तो वो मुझे काट लेगा। दाल रोटी की तरह खाएगा। चलो बस करो, बस करो, बहुत हो गया। प्रसाद, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने फिर से इसे दोहराया, मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा, बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। मैं वादा करता हूँ, वादा। हाँ। वादा। कितनी समस्याएं हैं यार। थंकंपन से ताड़ के पत्ते कैसे जाकर लूं? उसके पास इस वक्त कुत्ता होगा। पट्टिकन थोड़ी एकमात्र विकल्प नहीं है। कोर्ट कल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, पट्टिकन थोड़ी काफी हुई। नरेशन जी छोड़ दीजिए। कमीना कहेगा, मुझे कुत्ता कहकर बुलाता है। मेरा मतलब है कि कुत्ते को वापस बुला लो, नहीं तो ऊपर से ऊपर निकल जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस हाथ छोड़ो, अपने आप गिर के मर जाओगे। जब तक तुम्हारा मालिक पैसे नहीं लौटा देता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आ जाओ जल्दी। इधर आओ। ताड़ के पत्ते? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारा महीनों से 5,000 रुपया बकाया है, पहले वो दे दो, उसके बाद जितना चाहो पत्ते जाओ। उधर गाड़ी लोड होने के लिए तैयार खड़ी है। मैं ज्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ। अगर पैसा है तो पत्ते ले जाओ, नहीं तो हाथ झुलाते हुए निकलो यहाँ से। नदेशन जी, सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण से हिसाब मत करना। तुम भगवान कृष्ण हो क्या? मैं तो नहीं हूँ, पर ये पत्ते मैं अपने खाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण के हाथी के लिए ले जा रहा हूँ। आम तौर पर लोग उन्हें चीज दान में देते हैं। क्या आप उनकी शक्ति के बारे में नहीं जानते? उनका हाथी भूखा रहा तो क्रोधित होंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि कुछ ही दिन के अंदर आपकी दौलत मिट्टी हो जाएगी, जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सारा खेल पैसे का है। अरे खेल समझाओ नहीं। साहब सही कह रहा है, इससे पंगा मत लेना वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, ले जाने दो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। नहीं है, मैं कैसे जुगाड़ कर लूंगा। अरे ले क्यों नहीं जाते? जाओ ना, मान गए तो अच्छा है, नहीं तो मैं कहीं और से ले ला। अरे चलो जल्दी से ये सब लोड करो। एक मिनट रुको, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? थंकपन बताओ ही नहीं, बताओ ही नहीं। देसन जी को तुमने उल्लू बना दिया, लेकिन हम उनकी तरह उल्लू नहीं बनने वाले। ऐसी क्या बात हो गई सर? मुझे पेड़ पे लटकाया है उन्होंने, उसका हिसाब मैं अपने वेतन से अलग लूंगा। अरे थंकपन, इस तरह की बातें मत करो, पैसा आते ही हिसाब चुका दूंगा, फिक्र क्यों करते हो? देखो कोई भी फायदा नहीं है, आप वेतन नहीं दोगे तो पेड़ पे नहीं चढ़ूंगा। अरे थंकंपन, तुम कभी मुझसे इतने नाराज नहीं होते, ये सब ड्रामा कर रहे हो ना। बच्चों की तरह पुचकारने से काम नहीं चलने वाला, या तो मेरे पैसे चुकाओ या तो फिर किसी और को देख लो। हाँ, ऐसी मुफ्त की नौकरी नहीं करूंगा मैं। चलो एक समझौता कर लेते हैं। सबसे पहले तुम ताड़ के पत्तों को काटो। काटो तो सही यार, सबसे पहले ताड़ के पत्तों को काटोगे तुम, जब तक मैं तुम्हें मजदूरी न दूं तब तक तुम ऊपर ही चढ़े रहना, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे, अब समझ चलो शुरू करो। तो शर्त से काम निकलवाओ। देखो भाई साहब, मैं नदेशन नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझना। समझौता नहीं तोड़ोगे ना? यही तो मुझे तुम्हें बताना है। क्या हुआ? क्या हुआ बताना। मैंने समझौता कर लिया। कैसे? पेड़ पे चढ़ेंगे और ताड़ के पत्ते काटेंगे। जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक हम पेड़ से उतरेंगे ही नहीं। क्या बात है, कमाल का दिमाग लगाया है। बचपन में काजू बादाम खाए थे मैंने। पहले वो ताड़ के पत्ते काटेगा, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा। रुको 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 रुको। हाँ ठीक है। अरे सुनो सुनो, तुम हाथी मास्टर रुको ना। अरे गौरी, तुम वापस कहाँ जा रहे थे? कल गुरुवायूर मंदिर में हाथियों की दौड़ है। हाथी दौड़ने वाले हैं तो तुम क्या करोगे? कल मुझे कुट्टी शंकर और पद्मनाभन के पीछे दौड़ लगानी होगी, इसीलिए हम गुरुवायूर में मिलेंगे, ठीक है? अरे रुको, तो ये नोटिस देखो। क्या नोटिस? ओ, जरूर कुन्नाथु काविल त्योहार का नोटिस होगा। कुल्लन कोडू मणिकंदन को हर साल तक मिलता है, लेकिन वो तो प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले रहा। इस बार जरूर पद्मनाभन को मिलेगा। ऑर्केस्ट्रा का संचालन कौन करेगा? पंकज क्षण नायर, मुंसिफ कोट चावाकड। अरे ऑर्केस्ट्रा कब शुरू कर दिया? ये तो जब्ती का नोटिस है। पता क्या दिया है? चावाकड तालुक, चुंगम देश, पेर मंगलम लक्ष्मी की बेटी गौरी।
इस जगह का नाम मैंने पहले कहीं सुना है। हेलो, ये चेहरा देख रहे हो ना? आप कुछ याद आया कि इसमें किसका पता लिखा है? जब्ती मेरे नाम पर आई है। अगर हमने ब्याज नहीं चुकाया तो लोन जब्त होना तय है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? इस वक्त मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। नंदन से कुछ पैसे मांगे हैं, जितने जल्दी मिलेंगे थोड़ा थोड़ा करके लोन चुका देंगे। तब तक मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उनसे एक बार बात करके तो देखो, वो हमारा अपना सोसाइटी बैंक ही है। देखो गौरी, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मैंने सोचा था डांस क्लास से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन इससे तो और समस्याएं पैदा हो गई। मुझे कुछ और दिन दे दो, बाकी हर चीज की गारंटी मेरी, तुम निश्चिंत रहो। अरे वो ऑटो वेट कर रहा है, चलो 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 चलो। अरे चलो ना, जाओ 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 जाओ। बैठो बैठो। ये नोटिस नोटिस। सुनो, इन्हें बैंक ले जाना। अच्छा, बाकी तुम्हारा इंतजार करने का पैसा, किराया का पैसा और लौटने का पैसा कुल मिलाकर कितना हुआ ये बताओ। 90 रुपए। तुम इनसे ले लेना, 90 से 1 रुपया ज्यादा मत देना। चलो जाओ जाओ। नमस्कार। अरे प्रसाद, फिर से धोखे वाला काम किया। ऐसे तो हमारे जरा इसको तोड़ कर देना। बहुत अच्छे। तू मेरा हाथी सच्चा साथी, तेरे बिना जीवन क्या है मिट्टी। वो कहाँ जा रहा है? अरे भाग क्यों रहा है? अरे बोल रहा हूँ ना, रुक जा, रुक। अरे उधर क्या छुप रहा है? इधर आके मेरे पैसे दे। पैसा चाहिए तो यहाँ आओ, साथ में नारियल भी खिलाऊंगा। देख देख, मैं उधर नहीं आऊंगा, तू चुपचाप आकर मेरे पैसे दे। मैं जब भी तुझसे पैसे मांगता तू हाथी के नीचे जाकर बैठ जाता है। कम से कम मेरा ब्याज तो दे दे। अरे आना जल्दी से। वहाँ पे जाने के लिए सूरज को पश्चिम से निकलना पड़ेगा। किसी ना किसी दिन मिलेगा, तब तुझको बताऊंगा मैं, उस दिन का इंतजार करूंगा। अरे चिल्लाओ मत फालतू में, अगर हाथी को गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। जा, क्या बात है, आज हाथी ने फिर से बचा लिया। पैसे दिए थे मैंने इसको। अरे पापा, क्या है? मुझे हाथी के बाल दो। फिर कभी हाथी के बाल मत मांगना मुझसे। निकलो निकलो। तू नहीं सुनेगा। क्या बात है कुंजोनी? चल चल काम कर। रामचंद्रन, क्या हमें पुलियार काबू में सामान मिलेगा? जल्दी खाली करते ट्रक से, उसके बाद दोनों मिलकर 90 पिएंगे। चलो भाई चलो। केवल तुम ही सही समय पर मेरा ब्याज देते हो। ए, तुम्हारा क्या हुआ शशि, कब तक दोगे? अगले हफ्ते दूंगा। अगले हफ्ते? उससे लेट मत करना। हाँ ठीक है। और तुम? अरे पहले अंदर तो आओ। हाँ, सब जानता हूँ, बहुत बहाने बनाने लगे हो। जो कोई भी मेरा पैसा नहीं लौटाएगा ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बात है, सभी को कोस रहे हो, किसी ने हिसाब नहीं किया, ब्याज भी नहीं दिया, क्या क्या कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि दोस्तों और पुलिस को कभी पैसा मत देना, उनकी बात नहीं मानी और आज भुगत रहा हूँ। देखो, जब भी किसी से पैसा लेने के लिए निकलता हूँ तो वो सीधे हाथी के नीचे घुस जाता है या फिर हाथी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वो देखो एक और आ रहा है। ए बासु, रुको रुको। अरे सुनो इधर राघवन, टाइम आ गया, उसके दांतों को पैना किया जाए। अरे मैं तो इस बात को भूल ही गया था। भूलो मत, हाथियों की पूरी देखभाल की जानी चाहिए। लेकिन भूल भी गए तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ही ना याद दिलाने के लिए। ओ, क्या बात है रे चंद्रा, इसकी पूंछ के बाल इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें बेचने हैं क्या? लोग कहते हैं कि हाथी के बाल हिम्मत जगाते हैं। अरे ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अरे हाथी की पूंछ के बाल किसी को हिम्मत विम्मत नहीं देते, वरना हाथी तुमसे क्यों डरता? बेवकूफ कहीं का। अगर मंदिर कमेटी को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उन्हें बताना मत प्रसाद। ये मुझे किसके पास मालूम नहीं है क्या तुम्हें? ये मम्बली अर्जुन के घर जाना है, चलो वहीं लेकर जाओ। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है। छोटी सी बात के लिए हाथियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें खाने में तार के पत्ते दिए जा रहे हैं, जबकि मम्बली अर्जुन के पास गन्ने और केले पहुंचाए जा रहे हैं। ये तो गलत है। देखो, तुम मम्बली अर्जुन के बारे में जानते ही क्या हो? वो हाथियों का राजा है राजा, उसे मंत गलीला में बताई गई सारी विशेषताएं प्राप्त हैं। अच्छा, क्या कोई दूसरा हाथी बता सकते हो जो उससे बेहतर हो? बताओ, चलो बताओ 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 बताओ। है ही नहीं।
ताड़ के पत्तों के बारे में बोल रहे हैं या अरब के पत्तों के? अरे प्रसाद, पूरी रमेश मास्टर बुला रहे, पकड़ो पकड़ो, आता हूं। आया? क्या चल रहा है? रमेश जी, उसे पुली इल कब्बू महोत्सव में ताज नहीं मिल पाया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उसे तो हमारे इलाके के सभी महोत्सवों में ताज जीतना चाहिए। उसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, इसमें पैसे की समस्या नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बातें मत बनाओ। मेरे पिता की बस जिद थी कि पारिवारिक परंपराओं को कायम रखने के लिए कम से कम एक हाथी हो, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक अच्छी पार्टी को ढूंढो, कीमत अच्छी मिले तो बेच देना। सच में? तुम्हें शक हो रहा है? अगर कोई पार्टी मिले तो बताना। मेरा मतलब, रमेश जी उसे ना बेचते तो? ये सेंटिमेंट्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ, रबर स्टैम्प की तरह, और ये सोसाइटी बैंक है। यहाँ फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं, इसलिए वो ही इस मामले में कुछ कर सकते हैं। मैं उन तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, अब तुम जा सकती हो। हाँ, आपके पास भेज दिया। वटू, हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बताओ गौरी, कैसे मदद करूँ तुम्हारी? वो हमारा घर, बताओ। मेरा घर जब्त होने वाला है, थोड़ा टाइम चाहिए था उसके लिए। बस इतनी सी बात? तुम जब तक चाहो टाइम ले सकती हो, हम जब्ती नहीं करेंगे, ठीक है ना? और कुछ? जैसा सब सोचते हो उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं। राजनीति चीज ही ऐसी होती है जिसमें टकराव होता है। हर किसी को कुर्सी चाहिए होती है, बस इसके लिए मुझे कुछ तरकीबें निकालनी पड़ती, बस इतना ही। समझ रही हो ना? तुम्हारा डांस स्कूल बंद करने के पीछे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। प्रसाद ने परेशान किया मुझे, इसलिए करना पड़ा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि बीच में तुम बलि का बकरा बनोगी। तुम अपना स्कूल शुरू करने के पीछे इतना भागदौड़ कर रही हो तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। बदले में मैं तुम्हें कला मंडल में टीचर की नौकरी दिलवा दूंगा, या फिर तुम चाहो तो खुद का डांस स्कूल खोल लो। उसके लिए जो भी चाहिए मैं हूँ ना। नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे रुको गौरी, तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा मैं। देखो मैं ठहरा एक बिजनेसमैन, हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में रिटर्न चाहिए होता है। तुम्हारे इतने सारे काम करवाने के बदले में तुम मुझे बदले में क्या दे सकती हो गौरी? क्या? मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हो? सीधी सीधी बात है गौरी। कृष्ण प्रसाद, जरा इधर आना। पुडुबल जी, क्या बात है? बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। किस लिए? ये आरामकुलम से आए हैं। अच्छा, वैसे हमें कंदम पुली बालन कहाँ मिल सकते हैं? बालन? हाँ। बालन मुलक्कल महोत्सव के बाद आज निलुवी व्रत है ना, क्या काम था उनसे? मकर चोवा जुलूस के लिए। तब तो देर हो गई तुम लोगों को, उसे तो चेम्बूथरा के लोगों ने पहले ही बुक कर दिया है। ओ, और रामचंद्रन के बारे में क्या? अरे उस वक्त उसकी भी बुकिंग हो चुकी है। पलाथोट्टम अय्यप्पन के बारे में क्या खबर है? पलाथोट्टम अय्यप्पन आराम कर रहा है, लेकिन पंपाडी राजन हो सकता है कि तुम लोगों के काम आ जाए। कल के रिंजाला कुडा महोत्सव के बाद वो आरा टुप्पू झा की ओर जा रहा होगा। अगर अभी जाओगे तो करनूर पुल के पास मिल सकता है। नमस्कार। ठीक है तो हम लोग चलते हैं उस करबनूर पुल के पास, जाकर देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें वो वहाँ से मिल जाएगा? आपको पता भी है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो केरल के सभी हाथियों को जानता है। हाथियों के मामले में बिल्कुल कंप्यूटर है वो। ऐसी चीज है ये प्रसाद। चलो चलते हैं। अरे वहाँ से तुम्हें टाइम मिल गया क्या? बताती हूँ मुझे वहाँ क्या क्या मिला। तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर खो दिया। पता नहीं तुम्हारी वजह से क्या क्या झेलना पड़ेगा। क्या हुआ, वापस क्यों आए? वो एक चीज रह गई थी, वो चेट्टियार अय्यप्पन अभी हमें कहाँ मिल सकता है बताओगे? चलो चलो, पामपाड़ी राजन काफी है, उसी से काम चलाते हैं। हाँ गौरी, बताओ वहाँ क्या हुआ? अब क्या बताओ कि क्या हुआ वहाँ? अरे बताओ तो क्या हुआ? डांस स्कूल शुरू करने के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखा था, और ये वही आदमी है जिसने मुझे घर के लिए लोन दिया था, अनिरुद्ध। उसे ये भी नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए, यही हुआ। चुंगम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में अब समय आ गया है गवर्नमेंट नॉमिनी के रूप में श्री भरत मुनि जी को चुना जाए नॉमिनी के रूप में। इनका चुना जाना खुशी की बात है। ये हम सभी लोगों के लिए मित्र की तरह हैं। ये हम सबके बीच रह के बैंक और मंदिर समिति के लिए काम करते आए हैं, और इसीलिए
इस मौके पे हम सभी उन्हें बधाई देते हैं। गौरी के साथ दरिंदे की दिखा, गौरी ने मुझे बताया, अब तुझे मैं दिखाऊंगा कि एक आदमी ऐसे दरिंदे के साथ क्या कर सकता है। जब तूने स्कूल बंद करवा दिया तब भी मैं चुप रहा, इसका मतलब ये नहीं था कि बेवकूफ हूँ। हाथियों के साथ रहता हूँ मैं, हाथियों की तरह कुचल दूंगा तुझे। तो गौरी का इंसान, बाप रे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने जो मेरा अपमान किया है उसका हिसाब इसे देना पड़ेगा। मैं कसम खा के कहता हूँ, इसने जिन हाथों से मेरी गर्दन पकड़ी है उसके हाथ और पैर हाथी की तरह मजबूत है। चुप हो जा तू। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसके हाथ में जान नहीं है। अब समझ गया। तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है? अनिरुद्ध ने श्यामला को बैंक में नौकरी की पेशकश की थी, उनकी हरकतों से नौकरी हाथ से चली गई। ये गए और उसका सबके सामने अपमान कर दिया। माँ आप बताओ, क्या आपके पास कुछ है कहने को? मैं इसमें क्या कहूँगी, वैसे भी मेरा बेटा बिना वजह किसी को कभी अपमानित नहीं करता। हाँ तुम ही तो हो जो इसको इतना बढ़ावा देती हो, इसी वजह से समस्या बढ़ रही है। और वो हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ परेशानियां ही पैदा करता है। आरा टुप्पुजा महोत्सव की क्या बात है, क्या कहूँ, मजा आ गया। त्रिप्रयार और आरा टुप्पुजा के लोगों ने विदाई देते वक्त पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगले महोत्सव में फिर मिलेंगे, समझे? अरे कब तुम सबको हाथियों का दुख देखना चाहिए था, उनकी आंखों से भर भर के आंसू बह रहे। क्या हुआ? की खैर नहीं, जैसा क्या? भी नहीं पता कुछ, क्या हुआ? सब आपसे नाराज हो रहे थे क्योंकि आपने किसी से लड़ाई की है। ये बात सच है क्या? अरे सब बताता हूँ, पहले आकर बैठो तुम। आओ बैठो। अरे बैठो ना माँ, उसका जवाब दे। तो जाओ। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें खाना परोसता हूँ। पता है मौसम में हाथी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इतना अच्छा माहौल था कि देखती रह जाती तुम। देखो हाथियों से प्रेम करना अच्छी बात है, मुझे भी पसंद है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ा मत करो। हम सब संयुक्त परिवार हैं, कोई भी समस्या आती है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समस्याएं घटने वाली नहीं है, और इस घर में तुम ही अकेले आदमी नहीं हो। अगर पिताजी जीवित होते तो ये सब कर पाते? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? तुम मुझसे वादा करो। क्या? कि तुम हाथियों के प्रेम को सीमित रखोगे। मतलब मुझे हाथियों से प्रेम नहीं करना चाहिए, नजर उठा के भी ना देखूं? ठीक है चलिए, वादा किया। हर बार की तरह झूठा वादा मत करना। ठीक है, आपसे मैं वादा करता हूँ, मैं हाथियों के किसी भी मामले में कभी भी शामिल नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा आपसे वादा है। हाँ ठीक है, का वादा। हाँ लगता है दिखाई नहीं दिया। रोको रोको रोको, ऑटो रोको रोको। अरे बेटा प्रसाद, पता है मेले दातु संग्रह नायर ने केस जीत लिया। अच्छा? वो गुरुवायूर मंदिर को एक हाथी दान करेंगे, उन्हें कव्वल दर्जे का हाथी का बच्चा चाहिए, उसे तुम्हें ढूंढना होगा। चलो आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने हाथियों के प्रति प्रेम को पूरी तरह से त्याग दिया है। तुम पागल हो गए हो क्या बेटा? आखिर तुम उसके बिना कैसे रह सकते हो? छोड़ो रमन जी, मैंने फैसला कर लिया, मुझे जाने दो, मैं अपने भाई से वादा कर चुका हूँ। रुको रुको, छोड़ो ना मुझे। अब हम क्या करेंगे रमन भाई? अरे छोड़ो, मुझे पता है इसका एक और तरीका है मेरे पास, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। चलो वापस लेकर आते हैं। चलो शुरू करो, 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 शुरू करो। We'll share the drink. One of the large females came down the muddy waters. While beside her, her daughter was gently harnessed. She gently moved up from... Hi, this is Fashion TV. Let's start with today's program on FTV. Let's start. अरे क्या देख रहे हो ये? समझ गया, कुमारे लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, गलत बटन दब गई थी। नहीं, चिंता मत करो, अब चलो न्यूज चैनल लगाओ। रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। बच गए। आज की ताजा खबर, गुरुवार के जोबालूर में एक हाथी चलती हुई गाड़ी की चपेट में आ गया। ये घटना रात के 9 बजे की है। गाड़ी ने हाथी को पीछे से टक्कर मारी है। हाथी पोन को नाम मंदिर महोत्सव से लौट रहा था। हाथी का नाम मामबली अर्जुन था, जो गंभीर रूप से घायल हो चुका है।
महाबली अर्जुन को क्रेन के जरिए उठाने का प्रयास किया जा रहा है। पीछे रहिए। पूरी तरह घायल हो चुका है, वो उठ भी नहीं पा रहा है। बोलो उसको, तुम बोलोगे तो वो उठ जाएगा। बोलो अर्जुन, पीछे हटो, पीछे हटो। बेटे उठ जा, तमाशा देख रहे। बेटे अर्जुन उठ जा, अर्जुन चलो यहाँ से। अर्जुन ये तो खून है। अर्जुन बेटा देख मैं आया हूँ। अर्जुन उठ जा, अर्जुन उठ जा यार, उठ जा, उठना। हाँ चलो उठाना शुरू करो। मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ हो पाएगा सर। हाथी से उठने वाला नहीं है, इसके आगे क्रेन भी कोई काम नहीं आने वाली। बताओ हमें क्या करना है? और क्या करेंगे भाई, ऐसे ही पड़े रहने दो। अगर दो दिन में उठ गया तो अच्छी बात है, जाओ तुम अब। सर आपको क्या लगता है हाथी नहीं उठ पाएगा? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, हाथी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। आज जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाथी की कंडीशन बहुत खराब है, मुझे पता नहीं कि ये जिएगा या मरेगा। अब कुछ नहीं बोलना है, तुम लोग जाओ यहाँ से। सर इस हालात में नो, हेलो, पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। हेलो सर, अब कुछ सर, बोलने सर, की बस, इच्छा नहीं है। बंद करो, बंद करो, चलो जाओ जाओ। गाड़ी ने हाथी के पीछे से टक्कर मारी थी, इसलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। खून का थक्का जम गया है। हमने क्रेन की मदद से उसे खड़ा करने की कोशिश की पर कुछ हो नहीं पाया। उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? हाथी की पीठ की हड्डी में चोट आई है, उसका पैर भी गंभीर रूप से घायल है। क्या लगता है वो बच पाएगा? उसके बचने की संभावना केवल 10% है। इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा अर्जुन वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। माँ अब तुम घर जाओ, पूरी रात तुम सोए नहीं हो। नहीं, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। बात मानो, घर जाओ। उसे हिसाब में पड़े रखने का क्या फायदा है? वो मैं जोसेफ सर। यस, आओ। ये जोसेफ जी है, ये असिस्टेंट वेटनरी ऑफिसर है। आपकी इसमें क्या राय है? मेरे हिसाब से बचने का कोई चांस नहीं है। उसके मल त्याग में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, लगातार ग्लूकोज और एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। ये आपके लिए मुश्किल काम है, मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही। फिर भी कोई चमत्कार हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, देखो अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी गाड़ी के मालिक के पैसे मिल जाएंगे, चाहे हाथी बचे या ना बचे। फिर तुम उस पर बेकार में क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? हैं? बिना किसी को खबर किए इसका निपटारा कर देते हैं। अरे जोखिम का काम है, यहाँ के लोग हाथियों से बहुत प्यार करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। कल से हम एंटीबायोटिक के साथ धीमा जहर भी उसके अंदर डालेंगे, एक हफ्ते के अंदर वो मर जाएगा। रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो सब मैं देख लूंगा। चलो अब बात हो गई डन, अब हम लोग कल मिलेंगे। चलो चलो चलो। क्या मैं? अच्छा अच्छा देखो मेनन, अर्जुन के मरने के बाद हमारा बलराम सबसे बड़ा हाथी होगा। अर्जुन बचना नहीं चाहिए और इसके लिए मैंने बहुत कमाल की चाल चली है। क्या बढ़िया चाल है, वो आप ही है ना जिसने अर्जुन को दुर्घटनाग्रस्त किया है। जुबान पे कंट्रोल रख। रामायण में बलराम अर्जुन का भाई नहीं था क्या? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे अर्जुन को बचा लो। प्रसाद, प्रसाद, हमारे अर्जुन का। अर्जुन का क्या हुआ अर्जुन को बताओ। तुम क्या चाहते हो मुझसे बताओ? एक मर रहे हाथी के साथ अब और क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियों का क्या करें, यही उसके नसीब में है। मुझे इसमें कोई क्रूरता नजर नहीं आती, बस गिरते हुए पेड़ को काट रहे हैं। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अर्जुन को मारने के पक्ष में नहीं हूं मैं। देखो, अपनी इस जिद की वजह से समस्याएं मत खड़ी करो। जो मरने ही वाला है उस हाथी की कब तक सेवा करोगे? तुम यकीन से कह सकते हो कि वो ठीक हो जाएगा? गैम्बलिंग जैसा है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता वरना मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बिजनेस वाले दिमाग से सोचो। तुम्हारा बिजनेस माइंड,
रमेश भाई, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस की बात हो सकती है, लेकिन हम जो करते हैं उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य? बकवास मत करो तुम। एक काम करो, तुम उसे अडॉप्ट कर लो। है तुम में इतनी हिम्मत? मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इंश्योरेंस कंपनी से सारे पैसे ले लूंगा, लेकिन तुम्हें इस हाथी की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर ये जिंदा बच गया तो ये हाथी तुम्हारा हो जाएगा। ये मेरा वादा है, माम बल्ली रमेश का वादा। अब बोलो, समझ में आया कुछ तुम्हारे? अब तुम ऐसे चुप क्यों हो? हिम्मत नहीं हो रही है ना तुम्हारी? अभी तो बड़े मूल्य की बात कर रहे थे। कहां गया तुम्हारा हाथियों के लिए प्रेम? दिखाओ। किसी को सलाह देना आसान होता है, तुम मुझे भी मुसीबत में डालोगे। सलाह तो कोई भी देता है, लेकिन उससे काम नहीं होता। खुद कुछ नहीं कर सकते तो चुप बैठो। उस हाथी का मालिक मैं हूं, तो मैं फैसला करूंगा कि उसका क्या करना है। तुम अपने काम से मतलब रखो। हाँ सुनो, तुम अर्जुन के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि देने एक हफ्ते बाद आ जाना। बात करते हैं। रमेश जी, अगर आप इस प्रस्ताव के लिए गंभीर हैं तो मैं तैयार हूं। अर्जुन को गोद लेने के लिए तैयार हूं। उसे मुझे दे दीजिए। तो मुझे हाथी को ट्रक में लादना होगा और उसे ले जाकर तुम्हारे घर पे उतारना है। लेकिन तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। देखो, पैसे का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन दारू ये तो मुझे चाहिए। बस इसी के लिए तो हम लोग जाने जाते हैं। कवियों ने कहा है कि दुनिया में शराब से बेहतर चीज कोई भी नहीं है। तुम्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? चुप रहो। क्या बाहर कोई लॉरी आई है? ये लॉरी नहीं, टीवी की आवाज आ रही है। अरे बाप रे, इंदु का पहला पति तो यहाँ है। उसे अब तो अपने साथ जो हुआ उसे बता देना चाहिए। छोड़ो, नहीं बताएंगी। वो बताएंगी। चुप रहो। नहीं बताएंगी। अरे अरे, थोड़ा सुन सर, सुनो। अरे चुप भी करो। अरे भाई साहब, मैं सब लोगों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। ये खबर सुनकर तुम लोग सब चौंक जाओगे। मैंने एक हाथी खरीदा है। किसने? अरे मैंने खरीदा, और किसने? मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। सही कह रहा है। माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो घर के बाहर ही है। अब मेरा भी अपना हाथी हो गया है। माँ मजाक कर रहा है। चलो चाचा जी, चलो अंदर जाओ, सब हाथी देखेंगे। अंदर जाओ। जा। ये तो पागल है, इन्हें भी पागल बना देगा। माँ माँ, कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। बताओ मैं क्या झूठ बोलूंगा। चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ। चलो ना, आ जा। भाई बात सुनो ना, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो। अरे पहले ये पूरा देख लो, उसके बाद चलेंगे। ओ, अरे बाप रे, ये रहा हमारा हाथी। अब इसे दुनिया मेरे नाम से जानेगी। अर्जुन, हे भगवान, तू तो वाकई सच बोल रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन तूने ये सब किया कैसे? इसके लिए तो बहुत पैसे लगे होंगे। कर लिया, कैसे भी इंतजाम। माँ सबसे पहले तुम इसे देखो तो। अरे बेटा, इसे तो काफी चोटें आई हैं। ये इसकी हालत टक्कर लगने की वजह से हुई। इस वक्त गांव में हर कोई इसे मारना चाह रहा था। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसकी जिम्मेदारी ले ली। ये तो क्या कह रहा है, ये कभी ठीक भी हो पाएगा क्या? इसकी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस हाथी का महावत हूँ। आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, भगवान जरूर करिश्मा दिखाएंगे। लेकिन छोड़ो माँ, तुम्हें बस मेरा साथ देना है। हाथी का शेड हमारे घर के बाहर लगाओ, हमेशा मेरा यही सपना था और इसकी शुरुआत हो गई। चलो मेरे साथ। क्या बात है भैया, तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम सबसे दूर हो जाओगे। हाथी की देखभाल करना तुम्हें छोटी बात लग रही है? वो भी ऐसा हाथी जो मरने वाला है। तुम्हारे अलावा कोई है जो ऐसा फैसला ले सकता है? तुम्हारा प्लान क्या है आखिर? मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। सिर्फ अर्जुन को बचाना चाहता हूँ भैया, आप इसके लिए मना मत कीजिएगा। देखो, ये हम पर बोझ ना बने, इस बात का ख्याल रखना। फ्रॉड है, धोखेबाज आदमी, नहीं तो इतना शोर नहीं मचाता। मैंने पहले ही बोला था कि वो हमें केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे बताओ, ये भी कोई हाथी हुआ क्या जो कुछ दिन बाद ही मरने वाला है? अरे क्या हुआ, ये अभी तक उठा क्यों नहीं है? ये लोकल है क्या? नहीं, ये एसिडिटी है। ये इस तरह यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि ये खड़ा नहीं हो सकता। हमें इसका किसी तरह से निपटारा करना पड़ेगा। ये हाथी खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? देखो, हम उसे चार्ज तो कर रहे हैं, चार्जर भी तो लगा है। इसका नाम क्या है? पप्पन। आपका नहीं, हाथी का पूछ रही हूं। इसका नाम है माम बल्ली अर्जुन।
हाथियों के नाम हिंदुओं जैसे क्यों रखे जाते हैं? ईसाइयों का नाम क्यों नहीं रखा? अरे हमारे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें हम हाथी को बाप्तिस्मा दे सके। तो कोई मुस्लिम नाम भी रख सकते हैं ना? तो क्या इसे काजी के पास लेकर जाऊं? लकड़ी के कारखाने में काम मिलेगा। ठीक है साहब। तुम लोगों को हाथी को बाजरा, मक्का और गुड़ मिला के समय से खिलाना होगा। ठीक है। इसमें कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी मालिक? ये पागलपन की दवा की तरह काम करेगा, हाथी भी अच्छा असर दिखाएगा, इससे हाथी खाना कम कर देगा। आओ आओ। कैसे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एक गिलास बाजरा का चूर्ण और गोमूत्र लाकर दो। किस हाथी के लिए? हाथी के लिए नहीं, मेरे लिए, बेवकूफ। क्या हुआ? स्लो पॉइजन ने काम करना शुरू किया क्या? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके लिए मैंने एक अच्छा जुगाड़ लगाया है। बिना किसी परेशानी के उस हाथी से जान छुड़ा ली। उस हाथी प्रेमी कृष्ण प्रसाद को तो जानते होंगे, उसी पर बोझ डाल दिया मैंने। अब उस हाथी का जो भी करना है वो करता रहेगा, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। सच में आप मेरी मदद के लिए तैयार थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अरे क्या है ये? हाथी? वो नहीं, ये मिट्टी और कीचड़ कैसे लगा? वो जल्दबाजी में लाना पड़ा ना, इसीलिए। बकवास बंद करो, हाथी का सम्मान करना सीखो। हाथी भगवान गणेश का अवतार है। हाँ। सह्या का वंशज। हाँ। सत्य से मतलब? सत्य नहीं मूर्ख, सह्या पर्वत समझ गए क्या? जी। अगली बार ये वहाँ नहीं होना चाहिए। क्या हाथी? अरे नहीं, ये मिट्टी और कीचड़, समझे? पीना जारी है क्या? थोड़ा थोड़ा ही लगाते हैं। बेवकूफ, तेरे पीने की बात नहीं कर रहा, इस हाथी की। अभी तक तो नहीं। पिलाने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं। बेवकूफ, फिर तुम नतीजे पर कैसे पहुंच गए? हम उसे थोड़ा पानी पिला देंगे, इससे पेशाब आना शुरू हो जाएगा। अरे पेशाब के लिए पास में ही बाथरूम है। बेवकूफ, मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इस हाथी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम दोनों इतने बड़े बेवकूफ हो कि कुछ समझते ही नहीं। जब तक वो खाना ना शुरू कर दे तब तक ग्लूकोज लगाना बंद मत करना। याद रखो, इसकी बराबर मसाज करनी पड़ेगी, पैरों की अच्छे से सफाई करनी होगी, साथ ही चोट भी साफ रखनी होगी, ये ठीक हो जाएगा। तेल कपूर एक साथ मिलाकर चोट पर लेप लगाओ, तभी जल्दी जख्म भरेगा। हर्बल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिलहाल अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। इन्हें कितने रुपए देने चाहिए? 100 रुपए काफी है। ये तो बहुत कम है, इंसानों का थोड़ी है, हाथी का इलाज है। अगर कम लगेगा तो खुद ही बोल देंगे। जाओ। ये लीजिए। ये क्या है? रख लो पूरे, हमारे पास छुट्टे नहीं है। तो अगली बार अपनी जगह अपना नौकर भेज दूंगा। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, फीस भी बड़ी होनी चाहिए। तुझे कहा था ना, लीजिए। वैसे इनका नाम क्या है? चंदन कादर। ये कोई वैद नहीं बल्कि एक चोर है, इसने हमें अपना खर्चा पहले बताना चाहिए था ना। अरे वो पैसे मैंने कीटनाशक खरीदने के लिए रखे थे, अभी तो हमें ग्लूकोज भी लेना है। भाई को पता चला तो मुझे ग्लूकोज लगवाना होगा। लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही किस्मत वाला है। भगवान से यही दुआ है कि मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाए। प्रसाद, 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 एक समस्या हो गई है। बैंक वालों ने हमें धोखा दिया, वो गौरी का घर जब्त करने जा रहे हैं। जब्ती? एक कढ़ाई, एक कढ़ाई, एक पेटी, एक पेटी, एक कांसे का बर्तन। हाँ, बर्तन हो गया। करो ना, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी, हम लोग बेघर नहीं होंगे। ए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे रे रे, ये जब्ती इतनी जल्दी कैसे शुरू कर दी? क्या इसका निपटारा कर्ज चुकाने से नहीं हो सकता? सर तुम कौन हो? मैं कृष्ण प्रसाद हूँ। किनारे आगे खड़े हो जाओ, किनारे आगे खड़े हो जाओ। एक कुर्सी हो गई, जल्दी लेकर आओ। इसका पता नहीं था। तुम मुझे जितना चाहो कोस लो। हाँ जल्दी, मैं ही सब के लिए जिम्मेदार। ये यहाँ रखो, सब मेरा ही किया करा है। संभाल के। लेकिन सोचा नहीं था नौबत यहाँ तक आई है। कोई चीज़ अब मुझे नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनो, तुम्हारे ऐसे दुखी होने से कोई फायदा नहीं होगा, इस समस्या का कोई हल निकालो। साल के आखिर में इस घर की नीलामी की जाएगी, तब तक मैं ही इसे खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब तक। ये मेरा वादा है, पक्का वादा। पर इसके लिए टाइम लगेगा, अभी के लिए क्या करोगे? हम दोनों औरतें हैं जो तुम्हारी वजह से बेघर हो गई है। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना हम एक किराए पे घर ले लेते हैं, है ना? मैंने एक फैसला कर लिया है। ओह, मैं और मेरी माँ घर में रहने जाएंगे।
कौन सा घर? तुम्हारे घर में। मेरे घर में? हाँ। उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई चांस ही नहीं है। ऐसा क्यों? वहाँ पहले ही बाजार लगा है। मेरे बड़े भाई, जीजा, बहने, उनके बच्चे, मेरी माँ और हाथी, वहाँ मेरी खुद की हालत खराब है। तुम्हें वहाँ की समस्याओं का बिल्कुल भी पता नहीं है। पर इस समस्या से बुरी तो नहीं होगी। मैं कह रहा था मेरे सामने फिजूल के बहाने मत बनाओ। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इस सब के लिए, इसलिए हम तुम्हारे घर में रहेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए। समझ गए ना? चलो मां चलते। लेकिन लेकिन गौरी। अरे चलो ना। सुनिए, अरे सुनो, आओ जल्दी। हेलो, वो तुम्हें बुला रही है। भैया ये जो कह रही है उसमें विश्वास मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल जो हुआ है रुक जाओ, और तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने इनके घर का एग्रीमेंट लिया था? वो मैं सर। और तुमने इनके घर के कागज गिरवी रखे थे? इसलिए क्योंकि ये डांस स्कूल शुरू करना चाहते हैं। वो घर जब्त कर लिया है। हाँ वो तो है। मतलब ये सच है ना? अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए ये आउट हाउस में रह सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन तुम ये घर छोड़ोगे? भैया तुम्हारी वजह से आज इन लोगों को दुख झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अभी इनकी देखभाल जरूरी है, लेकिन तुम नहीं रह सकते भैया। एक मिनट, तुम इस घर में और एक समस्या लाए हो, तुम्हारा हाथी, उसे भी साथ लेकर जाओ। बेटा बेटा मत जा। छोड़ दो उसे, गलतियों की सजा भुगतने दो। इसे रुकने के लिए कहो, अपनी माँ की बात मान जा। आ सकता है, लेकिन तब मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ नहीं, हर चीज का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे जाने दो। भैया इन्हें यहाँ रखने के लिए राजी है, वही काफी है। मैं जाता हूँ। मैं दो बार मैंने तुम्हारा काम फ्री में कर दिया, अगली बार बिना पैसे लिए काम नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। हाँ। अब चलता हूँ मैं। हाँ। हाँ। ये पहली बार ही हुआ होगा जब एक हाथी को बाहर निकालने के लिए कहा गया। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत उदास हो, अब हम क्या कर सकते हैं? इन सब के लिए तो मैं पहले से ही तैयार था, सच कह रहा हूँ। ऐसे जमीन पे पड़ा होने के बाद भी राजा लग रहा है। तो भाई हाथी प्रेमी कृष्ण प्रसाद हाथी के साथ ही बेघर कर दिए गए। मतलब जप्ती के काम ने अपनी भूमिका निभा दी है ना? तूने मेरा अपमान किया था ना, उसी का फल है ये। तेरा और तेरे हाथी का इससे भी बुरा हाल होगा। ये तो अभी बस शुरुआत है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अर्जुन ने पानी पीना शुरू कर दिया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। भगवान उसे फिर से मजबूत बना दीजिए। कृष्णा, मेरी वजह से तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस हालात में मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। अब तुम मंदिर के ऑफिस में मैं रह रहा हूँ। नहाने के लिए पास में एक तालाब है, खाना रमन जी की दुकान से मिल जाता और पेड़ के नीचे सो जाता, कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। स्कूल के दिनों में मैं हाथियों का बहुत पीछा करता था, डर रहता था कि कहीं भाई न डांटे, इसीलिए मैं रमन जी की दुकान पर या तो पेड़ के नीचे ही सोता था। इस हाथी को यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं लात मार के इसे हटा दूंगा। आते जाते लोगों को ये रौंद सकता है, लोग यहीं से तो निकलते हैं। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए ज्यादा जगह क्यों चाहिए? चुप रहो, मेरा शरीर इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। जाकर उसे कटवा दो, मुसीबत खत्म। मेनन जी आप एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते? सिर्फ यही बात नहीं है, ये जो गोबर करता है उसका क्या होगा, इसकी बदबू मैं नहीं सह सकता। तो क्या हम हाथी को डायपर पहना कर रखे? रमन भैया क्या बात हो गई? अरे कोई बात नहीं है बेटा, इनको यहाँ से आने जाने में तकलीफ हो रही है, मैंने कहा जाकर कटवा दो, थोड़े हल्के हो जाओगे तो जाने में तकलीफ नहीं होगी। तुम मुझे यहाँ चिढ़ा रहे हो,
इसे तुरंत यहाँ से हटा लो, मुझे दिखना नहीं चाहिए ये। तो इसकी जगह पर तुमको लिटा दूं क्या? तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा? तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तो तुमको सिखाएगा। नंदन के बस स्टैंड रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट का बिल कॉर्पोरेशन ऑफिस में फंसा हुआ है, आप कृपया इसे रिलीज करवा दीजिए। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बस एक बार फोन मिलाना होगा, बट आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आपको क्या चाहिए, पैसे? पैसों से भी बड़ी चीज है, तुम्हारा सब कॉन्ट्रैक्टर है ना प्रसाद, ताड़ के पत्तों वाला, तुम्हें उसे ही काटना पड़ेगा, मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट से हटा दो। अगर कोई और होता तो समस्या नहीं होती, लेकिन बात प्रसाद की है तो। अरे ओहो, जब उसके परिवार वालों को उसके किसी काम से मतलब नहीं है तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो आप इस मौके का फायदा उठाइए। ठीक है, निकाल दूंगा। अच्छा, फिर मिलता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते। बताओ कैसा लगा मेरा खेल? देखो अब उस पर क्या गुजरती है, तुम्हारा चेहरा हर वक्त फूला ही क्यों रहता है? उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, मैं किसी की भी हंसी भूल नहीं पा रहा। अरे छोड़ो, सिर्फ हंसे ही तो थे। इसे हल्के में लेना इतना आसान है क्या? द्रौपदी के हंसने पर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था, पता है ना? कल तक सबकी हंसी रोने में बदल जाएगी, चलो मेरे साथ। बेटी मंदिर से आ रही हो? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना बेटी? नहीं माँ जी, अगर कोई बात हो तो मुझे बेझिझक बोलना। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरी वजह से उन्हें भी तो अपना घर छोड़ना पड़ा है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि उसका समय ही खराब चल रहा है, पर ये मत सोचना कि तुम्हारा अपना कोई नहीं, हम सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। यह अच्छी बात है कि इसने पानी पीना शुरू किया। ओ, हाँ हो। इसे पेशाब भी आना शुरू हो गया है। हाँ, ये सब हाँ, अच्छे संकेत हैं। हाँ, घाव भी ठीक हो रहे हैं और देखो नाखून भी वापस हाँ, बढ़ रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है। शुक्र है भगवान का। ग्लूकोज की मात्रा अब आधी कर दो और इसे खाने में अब गुड़ की गोलियां दो। पहले इसे इतना खाने दो, उसके बाद इसे हर्बल पाउडर देना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें जारी रखो। हाँ। अगर हाथी अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो बाकी काम मैं संभाल लूंगा। जी ठीक है। यार मेरे पास 250 रुपए नहीं है, इस बार 50 कम है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम अगली बार दे देंगे, और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन दे दो, ले लेंगे, दे दो वो ले लेंगे, लेकिन कहीं पिछली बार की तरह। अरे मेरी बात तो मानो, जाओ उनके पास जाओ, चलो। माफ कीजिएगा, पैसे थोड़े कम है, थोड़ी तंगी चल रही है, अगली बार हिसाब कर दूंगा आपका। रखो इसे। देखिए गुस्सा मत होइए। तो सुनो, एक डॉक्टर निरीक्षण करके बीमारियों का पता आसानी से लगा सकता है, वही डॉक्टर मरीज के मन को भी पढ़ सकता है। मुझे लगा था कि तुम कोई पाखंडी हाथी मालिक हो, इसीलिए मैंने पिछली बार तुमसे पैसे लिए थे, लेकिन बाद में तुम्हारी कहानी मुझे पता चली तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने हाथी के लिए जो त्याग किया वो केवल महात्मा ही कर सकता है। दूसरों की परवाह करने वाले को भगवान निराश नहीं करते। अब से मैं इसका इलाज फ्री में करूँगा, समझे? अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, ये उसकी जिंदगी और मौत का बहुत बड़ा युद्ध है, वो कोई भी युद्ध जीत जाएगा क्योंकि तुम उसके साथ हमेशा खड़े हो। ओह, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या ये वही आदमी है जिसे हम उस दिन मिले थे? अर्जुन के बारे में इतना सब कुछ सुनकर खुशी हुई, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। अरे प्रसाद। अरे नंदन जी, अब क्या करेंगे हम? तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है? मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल तो वहीं पर पड़ा हुआ है। मेरा मोबाइल तो चार्ज ही नहीं है। अरे नंदन जी, अभी तक लोड नहीं पहुंचा क्या? अरे रुकिए, अभी टाइट करता हूँ उसे, अब तक पहुंचा देना चाहिए था, बताता हूँ। अरे मेरे मोबाइल के रेंज की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या आप मोबाइल दे सकते हैं?
हेलो ठंकप्पन, तुमने अभी तक लोड सप्लाई क्यों नहीं किया? क्या कहा, लोड कैसे सप्लाई करूं मैं? अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ हो तुम? पेड़ के ऊपर लटका हूँ, 8 घंटे से ज्यादा हो गया यहाँ लटके हुए। क्या तुम्हें वहाँ से हाथी अभ्यारण्य दिख रहा है? वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे कब्रिस्तान दिख रहा है। वो पास ही है, बस उसे हाथी अभ्यारण्य दिखाई दे रहा है। कितनी देर में काम खत्म करोगे? पहले मुझे ये लोग मार डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नीचे आ जल्दी, काट डालूंगा। अरे पत्ते बड़े हैं ना, वो वही टुकड़ों में काटने की बात कर रहे होंगे। अच्छे से पत्ते काट कर हाथियों के लिए ले आओ। हाँ जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना, जल्दी। प्रसाद, क्या? रहने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरे आदमी को कॉन्टेक्ट दे दिया है। नंदन भाई, बहुत इंतजार करके देख लिया। और प्रसाद, तुम ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो, अगर तुम्हारा पैसा बाकी हो तो मेरे घर पर आके हिसाब कर लेना। नंदन भाई, सिर्फ इस बार के लिए आप मुझे? नहीं प्रसाद, इस तरह का बहाना तुम्हारा कोई पहली बार नहीं है। ना बोल दिया तो मेरी हाँ नहीं होने वाली, जाकर अपना काम देख लो। नंदन भाई, एक बार पैसों का यही एकमात्र साधन था, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं पप्पन, एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता है। हो, बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है। बस बस यही रुक दो। ये भी अच्छा है, तुम दोनों चोटिल हो गए हो, दोनों एक जैसे ही पड़े हो। अगर तुम इसी शिद्दत से कोशिश करो तो बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो। ज्यादा दुख में रहना बंद करो और खुलकर एंजॉय करो। तुम्हारी तो किस्मत बिल्कुल खुल चुकी है, अब बस मजे ही मजे बचे हैं। अरे उठो जल्दी। क्या बात है? तुम्हें नहीं पता? अभी तक सुना नहीं क्या? नहीं। अरे हमारी संपत्ति का बंटवारा होने वाला है। क्या? हाँ, मैं यही खुशखबरी तो देने आया हूँ और कागजात भी साथ लाया हूँ। बंटवारा हो रहा है? हाँ, बंटवारे का समय आ गया है। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम होते कौन हो रोकने वाले? तुम ही हो। इस घर में जो कुछ भी घट रहा है उसका कारण सिर्फ तुम ही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम ये चाहते हो कि जिंदगी भर हम संयुक्त परिवार में ही रहें? जिसे पहले ही घर से निकाल दिया हो उससे अब पूछने से क्या फायदा। हाँ, तुम्हारी माँ और भाई ने इजाजत दे दी। इतनी जल्दी संपत्ति का बंटवारा करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या चाहते हो, पूरी कहानी विस्तार से बताऊं? मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मुझे खाने में शर्म आती है लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। एक पराई लड़की को तुम घर लेकर के आए, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पता है? आखिर इन बातों का जिम्मेदार कौन है? ये तेरे सामने बैठा 2 कौड़ी का भाई। क्या बोला तूने अभी? मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलेगा सामान खींच लूंगा तेरी। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, नहीं जानता तू, हमारे लिए भगवान की तरह हिम्मत कैसे हुई? अरे बाजी, ये अकल नहीं है तुझमें? तू एक जीते जागते देवता को नहीं पहचान सकता? कुछ तोड़ दूंगा। छोड़िए, चलो। क्या कर रहे हैं आप? मिल गई ना खुशी तुझे? और भी कुछ देखना बाकी रह गया है क्या? करने देने बंटवारा, जो करना है करने देने। भैया बंटवारा होकर रहेगा, होकर रहेगा। हाँ, वहाँ तक लेकर जाओ। हाँ, और दूर। ये लोग क्या कर रहे हैं चाचा जी? वो दरअसल पकड़ो सही से, हमारे पास बहुत जमीन है ना, हम इसमें दीवार खड़ी करके अलग अलग कर रहे हैं। बड़े चाचा के पास अलग, छोटे चाचा के पास अलग, तुम्हारी माँ की अलग जमीन होगी। इस तरह बेटा हम सब कुछ बांट देंगे, समझ गई ना? चाचा जी, अगर ये दीवार बना देंगे तो हम लोग खेलेंगे कहाँ? आने वाले महीने की 22 तारीख को अथवा आने वाले अगले महीने 5 जून 2000 की तारीख को चावक्कर तालुक ठेके करी और चुंगम वडक्कपट्टू स्वर्गीय गोविंदन की पत्नी श्रीमती उन्यम्मा देवी अपनी सर्वसहमति से बंटवारे का ये दस्तावेज लिख रही हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उनके नाम पर एक पंजीकृत संपत्ति है। ये विरासत में मिली संपत्ति है जिसमें 1.5 एकड़ जमीन और एक घर शामिल है जिसका सर्वे नंबर 34/12 है। इस संपत्ति का उनके बच्चों जिनके नाम बड़ा बेटा माधवन, भाग्य लक्ष्मी, सरस्वती और कृष्ण प्रसाद के बीच में बंटवारा होना है। ए, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। बाहर निकलो। आई एम फ्रॉम एनिमल वेलफेयर बोर्ड। चलो जल्दी आओ। यू वेट देयर। ओह शिट, मैं एक SPC इंस्पेक्टर हूँ, वो अधिकारी जिसका काम जानवरों के खिलाफ अत्याचार को रोकना है। मुझे पता है सर, लेकिन वो दरअसल तो तुम इतना भी नहीं जानते कि जानवरों पर इस तरह का अत्याचार करना कितना बड़ा अपराध है। पर बात ऐसी है सर, हमारा कानून तुम्हें इस तरह खुली गाड़ियों में जानवरों को ले जाने की इजाजत नहीं देता है। स-
सर वो मैं अब... इसके लिए तुम्हें किसी वेटनरी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है, समझे? तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है क्या? तो फिर इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। अंडर सेक्शन 6988 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी जानवरों पर अत्याचार के लिए। ये एक क्रूरता है। ड्राइवर उसके हेल्पर को गिरफ्तार करो। एक मिनट सर। पुअर एनिमल्स, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, फॉरगिव मी सर। क्या हमारे पास तो अभी इतने ही है सर। रिश्वत है? हाँ। तेरी तो कुछ अधिकारी इस प्रकार की यातना के खिलाफ आके मूंद लेते हैं, उन्हें जानवरों को कटते देखने में खुशी मिलती है, उस पर वो बिना किसी पछतावे को उन्हें खा सकते हैं। जरूर तूने बहुत से भ्रष्ट अधिकारियों को देखा होगा, लेकिन मैं रिश्वत लेने वाला अधिकारी नहीं हूँ। मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। आई एम बाबू शाहिद उर्फ लाइटनिंग बाबू। अब चल उसी लाइट का झटका देता हूँ, चल। ओ माई डियर गाइज, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। रेयर स्पीसीज, नोट कर लो। मिस्टर कार्ड रीडर, कोई एक कार्ड चुनो और अपना भविष्य देख लो। हे डायबोलिक, तोता नहीं, इसे ही उठाओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तुम्हारा भविष्य खराब दिख रहा है। आज से तुम पिंजरे में रहोगे और तुम्हारा तोता आजाद रहेगा। जोसेफ, नोट दिस केस। हु इज दिस स्नैक मैन? नमस्कार सर। हाँ, ये कौन सा सांप है? 8 फीट का कोबरा है सर। बहुत जहरीला है। ये इतना जहरीला है कि इसके काटते ही लोगों की जान चली जाती है। लेकिन मैं इससे ज्यादा जहरीला हूँ। काटा और आदमी गया। माफ कर दीजिए सर। रिकॉर्ड दिस केस एंड मूव द पेपर्स इमीडिएटली सर। अच्छा, अब वो कौन? झोला साहब डॉक्टर है। हाँ तो उसके अंदर क्या है? मोर का तेल। डायबोलिक, डायबोलिक। अब ये क्या है? मोर का तेल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, समझे? ये उसे मारकर उसका तेल निकाल रहा है। तुम देख रहे हो ना? अभी इसके खिलाफ FIR दर्ज करो और 6 महीने के लिए जेल में डाल दो। अरे ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। मूंगफली का तेल मिलाया हुआ है इसमें। डायबोलिक, डुप्लीकेट चीज बेचकर लोगों के साथ धोखा कर रहा है। IPC 406, 420 और 120। जानवरों पर अत्याचार करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करो, सीधे उन्हें लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचो। ठीक है। मोर मेरे लिए भगवान की तरह है। ये बात कोर्ट में बताना। वो बहुत गुस्से में, थोड़ी देर में बुलाऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये तो अच्छा है कि इन्हें यहाँ का एनिमल इंस्पेक्टर बनाया है। चाल तो बिल्कुल बिजली की तरह से है। अगर हम इसे ठीक से उकसा पाए तो हमारा काम करेगा। नमस्कार सर। मैंने तुमसे बैठने के लिए नहीं कहा। ठीक है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ सर। मैंने खड़े होने के लिए भी नहीं कहा। किस काम से आयो? मालिक। नमस्कार सर। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं हाथी संघ का सदस्य। प्लीज बैठ जाइए। सर, आपके जैसे ईमानदार इंस्पेक्टर के यहाँ नियुक्त होने पे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता है ये कभी गलत काम नहीं कर सकते। एक हाथी पे अत्याचार हो रहा है सर। उसके इरादे बहुत बुरे हैं। वो हाथी के दांत बेचना चाहता है। ओह माय गॉड, वो वीरप्पन जैसा है सर। अगर हम उसका विरोध करें तो वो मारपीट करेगा। सच कहूँ तो वो बहुत ताकतवर इंसान है। कैसे जानते हो? उसने एक बार मुझे थप्पड़ मारा था। ये देखिए निशान है। सर, आपको अर्जुन के पास जाना चाहिए। ठीक है, कौन है वो? हाथी। हाथी दयनीय स्थिति है सर, उस पे अत्याचार हो रहा है। सर, जानवरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। डायबोलिक, मैं ऐसे बेरहम आदमी को नहीं छोड़ूंगा। उसका नाम दो, एड्रेस दो। वेयर इज ही, हु इज ही, व्हाट इज ही, कम ऑन। अब लग रहा है कि बंटवारे का फैसला बिल्कुल सही था। बैंक वाले गौरी का घर नीलाम करने जा रहे हैं और मैंने उसे वो घर वापस दिलाने का वादा किया है। हमें कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत है। अगर अपना हिस्सा गिरवी रख देता हूं तो 2.5 लाख मिलेंगे। अभी भी 50,000 की और जरूरत है। ओ अनबेरेबल, ओ व्हाट अ पिटी। यहाँ कितनी क्रूरता फैला रखी है तुम लोगों ने। हु इज कृष्ण प्रसाद? Where is he? Come on. मैं हूँ सर। I'm from SPC. समझाने। हाँ, सब बताऊंगा। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम इस जानवर के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, यही जानने आया हूँ। सर, आपसे गलती हुई है। बस मेरे सवालों का जवाब दो और कुछ नहीं। ठीक है। जब कोई हाथी खरीदना है तो फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचना दी जाती है। तुमने सूचना दी थी क्या? लेकिन बात यह है कि तुमने दी थी कि नहीं? नहीं। क्या तुम दिन में कम से कम एक बार उसे दूसरी करवट में बदलते हो? हम ये नहीं कर सकते। हाँ या ना में जवाब दो। नहीं सर। केरल बंदी हाथी नियम के अनुसार
मालिक को उपचार का पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। क्या तुमने रिकॉर्ड रखा है? तुमने ऐसा किया है कि नहीं? लेकिन हम नहीं कर सकते। रिकॉर्ड रखा है या नहीं? नहीं। क्या तुम वेटनरी डॉक्टर की देखरेख में इलाज कर रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं, वो लोकल डॉक्टर है। क्या? एक लोकल डॉक्टर? व्हाट स्टुपिडिटी आर यू टॉकिंग? आई कांट टॉलरेट दिस। अरे तुम कौन सी सदी में जी रहे हो? तुमने हाथी की सुरक्षा के नियम का कोई पालन नहीं किया। तुम्हें पता है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। वो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे हाथी को कस्टडी में ले रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, मेरे अर्जुन का क्या होगा? मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। नहीं, डायबोलिक। तुम्हें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में जाकर कहना। जोसेफ, हाथी को जीप में डालो। नहीं नहीं, मेरे मतलब हाथी के बारे में। सर, मैं हूँ वो वाइल्ड लाइफ। क्या कहा? हाथी से प्यार करने वाला महावर। नाम क्या है? पप्पन। सबसे पहले इसे जीप में लो। योर ऑनर, डिफेंडेंट कृष्ण प्रसाद को एसपीसी की रिपोर्ट के अनुसार हाथी की चिकित्सा की आवश्यकताओं के प्रति लापरवाह पाया गया। प्रोसीड। मर रहे हाथी के मेरे क्लाइंट की जिम्मेदारी लेने से पहले ही उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था। इसके अलावा ये एक सच्चे हाथी प्रेमी है, सबको पता है। प्रसिद्ध हाथी चिकित्सक चंदन कानन ही उस हाथी का इलाज कर रहे हैं और वो कोर्ट के सामने अपना बयान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा जब मैंने पहली बार उस हाथी को देखा था तो मुझे लगा था कि वो जीवित नहीं बचेगा। अभी तो वो पानी भी पीने लगा। इस सब का श्रेय इस कृष्ण प्रसाद को ही जाता है। हाथियों से इतना प्यार करने वाला इंसान मैंने कभी नहीं देखा। डिफेंडेंट की मैं सराहना करता हूँ, जानवरों के प्रति इनका प्रेम सराहनीय है। अदालत ये बात समझती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एसपीसीआई इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर भी विचार करना होगा। जमानत के रूप में 1,00,000 रुपए का भुगतान और 2 लोग जमानतदार के रूप में अगर ये खड़े करते हैं तो हाथी अपने पास रख सकते हैं। अगर 3 दिनों में ये पैसे नहीं दे पाएंगे तो हाथी पशु संरक्षण विभाग को दे दिया जाएगा। अदालत का यही फैसला है। सुनो प्रसाद, हमें 1,00,000 देने होंगे 3 दिन के अंदर। अब क्या होगा? नहीं पप्पन भाई, मैं कुछ भी करूंगा। मैं अर्जुन को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आ गए सर जी, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आपने जिस तरह से हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत। सर ये तो अन्याय है। चलो पप्पन। समय बदल चुका है, यहाँ देखो हाथी के लिए भी अंगरक्षक लगे हुए हैं। अरे बाप रे, देखो, देखो भागो मत, भागो मत, ये हाथी बीमार है, अब तुम्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति को अच्छे से समझ सकता हूँ। मुझे इन लोगों ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, बहुत बुरा लगा मुझे। हाँ, ये लो 1,00,000 रुपया और अपने हाथी को अपने से दूर मत जाने देना। लो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपके दस्तावेज। दस्तावेज? ये किस लिए? जो पैसे दिए उसी की सिक्योरिटी है। आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कि मैं क्रूर आदमी हूँ? मैं अपनी जिंदगी में कुछ सिद्धांतों का पालन करता हूँ। मैं दूसरों को दुख में होने पर उनसे कोई भी पैसा नहीं कमाता हूँ। ये दस्तावेज तुम अपने पास रखो। नहीं भाई साहब, आज के वक्त कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। आप आए हैं तो मैं आपके लिए समस्या पैदा नहीं करना चाहता, इसीलिए आप ये ले लीजिए। गुजारिश है, ले लीजिए। लीजिए ना। हाँ, यहां साइन कीजिए। ये लीजिए। सर। यस सर। रुको। 20 साल तक ये हाथी अपने मालिक के लिए काम करता रहा और जैसे ही वो घायल हुआ वैसे ही उसे मालिक ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया। जब मेरे पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था तब ये आदमी आया और इसने पूरी जिम्मेदारी ले ली। पप्पन। अरे तुम चुप रहो थोड़ा। और इसी की वजह से इसे घर से बाहर निकाल दिया। आप इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान माफ नहीं करेगा आपको। अगर आपको असली अपराधी को पकड़ना है तो जाइए अनिरुद्ध के घर, जाइए, आपको अत्याचार का पता चल जाएगा। वहाँ जाकर दिखाइए अपनी पावर। हम जैसे लोगों को तो पावर कोई भी दिखा सकता है। अरे तुम चलो मेरे साथ। छोड़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जोसेफ सर, जीप रेडी करो। जोसेफ फॉलो मी। यस सर। एवरीबॉडी फास्ट। क्या बात हो गई सर? कुछ नहीं, बस तुम लोगों से मिलने चला आया। कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है। कम ऑन, ये बताओ ये क्या है? हाथी का गोबर? वो नहीं, ये इसके पैर में क्या है? नाखून काटने से चोट लग गई। ये कोई साधारण चोट नहीं है जो नाखून काटने से लगे। जरूर इससे दिन रात काम कराया जा रहा है जिससे इसके घाव नहीं भरे। हाथी कितना भी चोटिल हो लेकिन तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, लेकिन घाव को भरने के लिए तुम लोग कानून के खिलाफ काम कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा मिल सकती है।
तुम्हारे मालिक बदसलूकी के लिए कानून के घेरे में आ चुके हैं। जानवर के ऊपर अत्याचार करना एक संगीन अपराध होता है, क्या आप इस बात को नहीं जानते? कठरा। हाँ मिस्टर थारा जी, अपने दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन ये उम्मीद नहीं होगी मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे बेवकूफ मत समझो। वो सब भूल जाइए, जितना बोलेंगे उतना दे देंगे सर। रिश्वत? ए मिस्टर, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, इसीलिए आप जैसे लोग मुझे रिश्वत देकर खरीद नहीं सकते। जल्द ही तुम और तुम्हारा मालिक जेल में हवा खाएंगे। अच्छा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे? तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, राजनीतिक लोगों से पंगा नहीं लिया जाता। अगर मैं चाहूँ तो ट्रांसफर करवा दोगे? ये खौफ दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। आप मेरा ट्रांसफर अट्टा पट्टी मुथंगा में करने की सोच रहे होंगे। मैं तो खुद वहाँ जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति मेरे लिए सबसे प्यारी है। अगर मैंने तुम्हें मरवा दिया तो क्या करूं? कोई बात नहीं, घर से निकलते वक्त मैं अपनी बीवी को बोल कर आता हूँ कि शायद मैं घर वापस ना लौटूं। डू यू गॉट मी? जोसेफ, जानवरों पर अत्याचार करने की वजह से इन पर तुरंत FIR दर्ज करो। ओके सर। मिस्टर अनिरुद्ध, भले ही आप मुझे डिसमिस करवा दो, नो प्रॉब्लम। कंजरपल्ली में मेरी बीवी के नाम पर एक रबर स्टेट है, मैं वहीं पर अपना गुजारा कर लूंगा। डायबोलिक। बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को कुत्ता काटता है। बंटवारा होते ही मुझे प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी, पूरे 1,00,000 के लिए। इस वक्त अर्जुन के अलावा कुछ नहीं सोच सकता। उम्मीद है भाई को पता ना चले, कम से कम कुछ दिनों तक। लेकिन गौरी के घर की नीलामी के लिए मुझे कम से कम 3,00,000 रुपए और चाहिए होंगे। पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। इस सब के लिए वो डायबोलिक ही जिम्मेदार है, भगवान उसे कुत्ते की मौत मारेगा। मैंने सब सुन लिया। मेरी पत्नी कहती थी कि लोग मेरी पीठ पीछे बुराई करते हैं, आज देख ही लिया। अब इतनी देर से क्यों ऐसा? मैं यहाँ बेरहम अधिकारी की तरह नहीं आया हूँ, बस ऐसे ही आया हूँ। जो भी हुआ सब गलतफहमी की वजह से ही हुआ है, मैंने उसका मुआवजा चुका दिया। मैं अभी अनिरुद्ध के खिलाफ चार्जशीट दायर करके आया हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने हाथियों से प्रेम करने वालों के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। डायबोलिक डायबोलिक, ऐसी दुनिया जहां हत्याएं और धोखेबाजी की एक परंपरा बन चुकी है, वहां ऐसे लोगों का मिलना दुर्लभ है। कीप इट अप। धन्यवाद। कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बोल देना। सर आप तो बहुत बदल गए। सर्विस के वक्त मैं बिजली बाबू होता हूँ, लेकिन अच्छे लोग उसे बिजली में फ्यूज की तरह यूज करते हैं, और बुरे लोग झटका खाते हैं। फिर मिलते हैं। मुझे भरोसा है जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो मेरी जबान कभी गलत नहीं होती, मेरी बीवी खदीजा भी यही बोलती है। इनका दिल बहुत अच्छा, मुझे भी यही लग रहा है। क्या हुआ, फिर से कोई दिक्कत हुई है क्या? कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मुझे एक जगह काम मिल गया है, मूलर कारा के एक डांस स्कूल में। वहीं पास में मैंने एक घर किराए पर ले लिया है। मैं और मेरी माँ अब जाकर वहीं रहेंगे। ऐसे भी क्या जल्दी है? पर जाना तो होगा ना। जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। प्रसाद बताओ, क्या ये सच बात है, तुमने अपनी संपत्ति गिरवी रखी? वो तुमने उसे गिरवी रखा है या नहीं? हाँ भाई। ये क्या कर रहा है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सब कुछ बर्बाद करना है? मैं तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तू कहता है कि मैं तेरे लिए भगवान समान हूँ, लेकिन मानता नहीं है। परेशान मत हो तुम लोग, वो अभी भी मुझे बच्चा ही समझते हैं, इसीलिए मुझे इस तरह डांटते रहते हैं। कुनुन्नी कुनुन्नी कुनुन्नी, ये हाथी के पूंछ के बाल। कल मैं घर वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। अरे पापा। क्या बात है बोलो। मेरी जान है। पपन, तुम मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ। पपन, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। मेरा परिवार है, दो बेटियां हैं, उन्हें खाना खिलाना है। इतने दिनों तक इंतजार किया, सोचा था वो उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे दोस्त से घर की समस्याओं का पता चला है। उसने घर तुरंत बुलाया है,
मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं। रो मत। मैं इसे भगवान के सामने रखूंगा और घर जाऊंगा। अब मैं महावत का काम नहीं कर सकता, कुछ और काम ढूंढ लूंगा। मैं सब समझता हूं भाई, इस वक्त तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है, तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना होगा, मेरे चक्कर में समय बर्बाद मत करो। कुछ पैसे है क्या तुम्हारे पास? आज थोड़ी लगा कर सोऊंगा, नहीं तो नींद नहीं आएगी ना मुझे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, आज हम दोनों साथ में पेग लगाएंगे, जब तक हम दोनों नशे में होंगे दुनियादारी हमसे दूर रहेगी। चलो। जानते हो, मैं अर्जुन से तब मिला था जब वो 5 साल का था, उससे मैं बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे छोड़कर जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सुनो तो बता। आदमी दिन में जो सोचता है नशे में भी उसे वही नजर आता है। बड़ा अच्छा सपना आ रहा है। पप्पन भाई, ये अर्जुन ही है। सपना है सपना। अरे ये क्या है? तुम मेरे साथ सपना देख रहे हो और कुछ नहीं है। हम लोग सपना नहीं देख रहे पप्पन। हाँ ये सच है। वो देखो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, जब होश में आऊंगा तब बात करूंगा। तो होश में आ ही जाते हैं। ऐसा क्या है ना? हाँ। चलो। चलो। पप्पन भाई, आप देखो, देखा कुछ? दिख रहा है कुछ? अर्जुन, अर्जुन, हमारा अर्जुन पप्पन। शुरू करो, 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 शुरू करो। नैना मेरे नैना, नैना नैना, अरे ये क्या क्या, ये आतिशबाजी रुकने वाली नहीं है। मालिक, मालिक, आपने सुना नहीं क्या, अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो गया है, वो अब पहले से भी अच्छा दिख रहा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, वो इस साल प्रतियोगिता में ठेकरा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपने जो सोचा था सब पर पानी फिर गया। इसीलिए तू यहाँ दौड़ा दौड़ा आ रहा था? नहीं, मैं तो ऑटो से आया हूँ यहाँ पर। ये वाला सबसे अलग था। पिछले साल अर्जुन को वापस पाने के लिए हमें 3 लाख रुपए चुकाने पड़े थे, और उतनी ही रकम चुकाने के बाद हमें थेक्के कारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाथी प्रेमी कृष्ण प्रसाद को उसका अर्जुन उसे मिल जाएगा, ठीक है? रमन नायर, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आखिर उसकी वजह क्या है? उस समय का हमारा अर्जुन बहुत अच्छा था,
लेकिन अब किसे पता कि वो अर्जुन अब कैसा है। उसे काफी गहरी चोटें आई थी। पता नहीं वो पहले जैसा ऊंचा है कि नहीं। अगर मान लो ऊंचा है भी तो बलराम से ऊंचा खड़ा होना होगा। अर्जुन पर भरोसा करना जुआ खेलने जैसा है। वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। सिर्फ कहने में आसान लगता है। अगर यही सच है तो उसने बाकी महोत्सव में भाग क्यों नहीं लिया। उसके पीछे की वजह समझा दी गई है। प्रसाद की यही इच्छा है कि अर्जुन की शुरुआत इसी महोत्सव से की जाएगी। हम इसके लिए तैयार नहीं है। सुनिए, मेरे हिसाब से नदेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं रमन नहर से सहमत हूँ। सब लोगों को मिलकर फैसला लेने दो। सभी लोग फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ताज हार गए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। ये कहाँ चला गया रमन भैया? क्या हुआ? देखो, मेरी गारंटी की शर्त पर कमेटी वाले तैयार हो गए। मुझे धोखा मत देना। देखो, ताज जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। चिंता मत करो, मेरा आपसे ये वादा है। वो इस प्रतियोगिता में ठेके कार का प्रतिनिधित्व करेगा और हमारे लिए ताज जीतेगा, वादा है। बेटा, पिछले साल की तरह महोत्सव से ठीक एक दिन पहले हाथियों की माप ली जाएगी। हाँ। इससे पहले कि वो लोग मंदिर बंद कर दें, तुम्हें वहाँ रहना होगा। मंदिर बंद हो गया तो माप नहीं ले सकते, समझ गए ना? समझ गया। अरे मालिक, अरे बाहर आइए, देखिए कौन आया है। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आंगन में कदम रखने की? यहाँ कदम रखने वाला मैं नहीं हूँ बेवकूफ, मेरा हाथी है। खुद को समझ क्या रखा है? लात मारकर तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। मालिक जी, आपने जरूरी सूचना सुनी कि ठेके कारा की तरफ से मेरा अर्जुन मैदान में उतरने वाला है। जिस हाथी को आपने खत्म करने की कोशिश की, आज उसी हाथी के बल पर भगवान ने मुझे तुमसे बदला लेने का मौका दिया है। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। तमाम लोगों के सामने ये प्रतियोगिता हराने से बुरा कुछ नहीं होगा। हराऊंगा तुम्हें, वो भी सबके सामने। बातें करना आसान है, जो बोल रहे हो करके दिखाओ। अभी तुम जानते ही हो मेरे बारे में। सब जानता हूँ मैं, मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए भी मैं किसी हाल में आसान नहीं होने दूंगा। मिलते हैं फिर अर्जुन। ये जीतना नहीं चाहिए, अगर ये जीत गया तो मेरी मौत के बराबर होगा। मैं जीतने नहीं दूंगा। मुझे पता है उसके लिए क्या करना होगा। लेकिन वो बहुत दिमाग वाला आदमी है। चलाक है, लेकिन आपसे ज्यादा दिमाग नहीं है उसके पास। जी, गौरी ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त था इसीलिए लेट हो गया। अर्जुन के ठीक होने के बाद मेरी जिंदगी भी ठीक हो रही है, लेकिन तब से मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ। क्या बात है बताइए। घर के बारे में। ओह, मैंने बताया था, 2 दिन के अंदर बैंक आपका घर नीलाम करेगी। नीलामी में जो भी कीमत लगेगी मैं उसे अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उसे खरीद कर मैं अपना वादा पूरा करूंगा, निश्चिंत रहिए। भरोसा है, लेकिन याद दिलाने की एक वजह है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दरअसल इसकी शादी का एक प्रस्ताव आया है दूर के रिश्तेदार से। दोनों की कुंडली भी मिल चुकी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी खबर है, खुशी की बात। लेकिन एक समस्या है। क्या? जैसे ही घर के बारे में पता चला, वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमने घर के दस्तावेज किसी और के घर क्यों रखे, और सगाई के लिए भी तो घर की जरूरत है ना। उन्हें इंतजार करने को कह दिया। बेटा, अगर तुम माँ जी, आपके घर की जिम्मेदारी मेरी है, इसकी शादी धूमधाम से होगी। शादी का रिश्ता आया है ये तुमने मुझे बताया नहीं, सस्पेंस बना कर रखा। कोई बात नहीं, तुम हमेशा खुश रहो, चलता हूं। तुम इतने झिझक क्यों रहे हो? क्या बात है बताओ। मैं क्यों झिझकूं तुमसे? तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम बताओ ना क्या बात है। रमन भैया, मेरी एक और मदद करनी होगी। हम पक्का जीत जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
असल में मैंने नीलामी में गौरी का घर वापस दिलाने का वादा किया था। नीलामी 2 दिन में ही है, वक्त बहुत कम है, और सच कहूँ तो मैं अपना घर गिरवी रख सकता था। तो तुम उसे गिरवी रख दो ना। दरअसल जमानत के वक्त उसे पहले ही रख चुका हूँ। रमन भैया केवल आप ही मदद कर सकते हैं। कैसे? प्रतियोगिता जीतने पर आपने मुझे एक खास कीमत की पेशकश की थी, क्या आप वो एडवांस मुझे दे सकते हैं? मैं प्रतियोगिता जीतूंगा, ये मेरा वादा है। ये फैसला मैं अपने आप नहीं ले सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, वो पैसे मंदिर के हैं, समिति से परामर्श लेना होगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रमन भाई तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर चाहते क्या हो? हमें ये नहीं पता कि ताज मिलेगा या नहीं, फिर उसे एडवांस में पैसे देने की क्या जरूरत है, बताओ जरा। और अर्जुन अभी अभी ठीक हुआ है, कैसे भरोसा करें? देखिए, जीतने से पहले पैसे देंगे तो गलती होगी। पहले तो ये पता करें कि उसे पैसे चाहिए भी या नहीं, या फिर वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेगा कि नहीं। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए उसने हमसे कहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर तुम्हें उसी पर भरोसा है तो दे दो पैसे, लेकिन एक शर्त पर, अगर प्रसाद ताज हार जाता है तो उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाएगा, मंजूर है? ये भी सही है। पैसों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इससे समिति वाले खुश नहीं है। फिर भी मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें ये पैसे दिलवा रहा हूँ, मेरा विश्वास मत तोड़ना। नहीं रमन भैया, मुझ पर भरोसा रखिए, आपके बेटे जैसा हूँ। इसके लिए 2,75,000। अब तक की बोली है 2,75,000। 2,75,000 कोई है? 2,75,000 और कोई? 3,00,000 रुपए। 3,00,000। 3,00,000। मेरी बोली 3,25,000। इनकी बोली 3,25,000। 3,25,000। 3,25,000 ये अंतिम बोली है? कोई है इससे ऊपर लगाने वाला? कोई नहीं है। 3,25,000 एक, 3,25,000 दो, 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000 कोई और लगाने वाला है बोली? 3,50,000, 3,50,000 कोई और है? 3,50,000 एक, तो कोई और नहीं है। ठीक है, 3,50,000 तीन। तुम्हारी तरह मेरी भी संपत्ति थी और मैंने कुछ पैसों के लिए उसके दस्तावेज गिरवी रखे। तुम एक ही भाई हो जिसने मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा और मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सका। इसे मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार समझ लो। हाँ चलो, दस्तावेज लो और गौरी को वापस करो। आपने नीलामी क्यों छोड़ दिया और आप इतना हंस क्यों रहे हैं? बेवकूफ कहीं के, क्या कोई उस घर को 3,50,000 रुपए में खरीदेगा? और हम हमारे घर के आउट हाउस में रह लेंगे। तुम्हें अनाथों की तरह सड़क के किनारे रहते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। ये नीलामी कैसे भी हमें जीतनी बहुत जरूरी है। अनिरुद्ध जी ने क्या कहा था, भूल गए क्या? तो क्या हो गया, क्या हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि हम उसका नुकसान होने दें? उस घर में है क्या? कुछ पुरानी ईंटें और कुछ लकड़ियों के टुकड़े। 3,50,000। सुनो, मैंने कैसे बुद्धि लगाकर उनका नुकसान बचा लिया। देखो, जब मैं मालिक को बताऊंगा तो उन्हें मुझ पर गर्व होगा। बेअकल आदमी, तेरे लिए वो ईंटें और लकड़ियों के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक खूनी का बदला था। सब तूने बिगाड़ के रख दिया, शर्म नहीं आती क्या तुझे? वो मुझे हर बार हरा रहा है, लेकिन इस बार मैं उसे हरा के ही दम लूंगा। उसका हाथी कल की प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ही जीतना है किसी भी कीमत पे। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं। चल निकल यहां से। ऑटो। पप्पन भाई। हाँ। लगता है जैसे भगवान हमारे सामने कई रूपों में प्रकट हो रहे हैं। क्या हुआ? आज मैंने एक और भगवान को देखा, मेरे बड़े भाई के रूप में। वही थे जिन्होंने मुझे गौरी के घर के कागज दिलवाए हैं, नहीं तो मैं हार गया होता। आज गौरी बहुत खुश होगी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, उनके घर पहुँचते ही उनकी शादी होगी, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम पागल हो गए हो पापन भाई? क्या तुम दिल से कह सकते हो कि गौरी तुम्हारी कुछ नहीं लगती है? हाँ कह दूंगा। तो मुंह से कहोगे या मन से? पप्पन प्रसाद, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सब पता है। गौरी को खोने के डर से तुम्हारी क्या स्थिति हो गई थी, मुझे सब याद है। क्या तुम बिना गौरी के रह सकते हो? अब इस बात का कोई मतलब नहीं है पप्पन, एक अच्छी जिंदगी उसका इंतजार कर रही है, फिर मैं कैसे बीच में? तुम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो, धन संपत्ति ताकत, लेकिन तुम्हें कभी प्यार करने वाला दिल वापस नहीं मिलेगा।
उसे जाने मत देना प्रसाद। जाओ, जाकर उसे सब बता दो। जाओ 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 भी जाओ। माए मन ये मेरा जैसे पुरवाई, मधुर मधुर जैसी बहती जाए। मन ये गौरी? मेरा तुम लोग करते रहो। क्या बात है प्रसाद? ये लो तुम्हारे घर के दस्तावेज। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने जो तुमसे लिया था आज उसे वापस लौटा रहा हूं। उम्मीद है अब तुम्हारी शादी अच्छे से होगी। ले लो इसे। गौरी तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी अगर किसी ने देख लिया तो? मैं चाहती हूँ। गौरी पप्पन कह रहा था कि सही सवाल पूछने से खुद को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। इतने सारे उतार चढ़ाव के बीच मैं तुमसे जरूरी बात पूछना तो भूल ही गया। मुझे नहीं पता यह गलत है या सही, फैसला तुम ही करो। क्या हम अपनी जिंदगी उल्टी दिशा में बहना बंद नहीं कर सकते क्या? मेरा मतलब हम साथ आ जाएं तो? ठेकरा की कमेटी का छापा हुआ नोटिस देखो। हमारा पसंदीदा हाथी जो अब कृष्ण प्रसाद के अधिकार में आता है अर्जुन, छे वो उस आदमी को भूल ही गए जिसने हाथी के लिए लाखों की कीमत चुकाई, और अब वो सारा पैसा उस भिखारी का होगा। तुम पहले ही अपना हाथी खो चुके हो और अब वो उसे महोत्सव में ले जा रहे हैं। पता है 3 लाख मांगे हैं उसके लिए। वो भी सोचते होंगे कि तुम्हारे जैसा अच्छा बेवकूफ मिल गया। मैं क्या कर सकता हूँ, वादा किया मैंने उसे। अरे वादे में क्या रखा है, बात करता है। सिर्फ इस बात के लिए एक डॉक्टर ने मरीज को ठीक कर दिया है? तो वो मरीज डॉक्टर का हो गया क्या? मैं जानता हूँ एक हाथी के खोने का दर्द। अरे उसके हाथ तो लॉटरी लग गई है, जिसके बाद वो भिखारी हाथी मालिक बन गया है। वो सब लोग तुम पे जरूर हंस रहे होंगे। कुछ किया नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। चाहे कुछ भी करो, कल की प्रतियोगिता में उसके हाथी को हिस्सा नहीं लेने देना है। अभी तुम्हारे पास मौका है, जाके अपने हाथी पे मालिकाना हक जताओ। तुम्हें 3 लाख का फायदा होगा, बिल्कुल भी मत सोचो। आज के प्रतियोगिता में हमारे अर्जुन की जीत तो निश्चित है, और इसके साथ हमारी सारी मुसीबतें खत्म। अपना सिर ऊंचा रखो। प्रसाद ये हाथी मुझे वापस चाहिए। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? ये मुझे वापस चाहिए। रमेश भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मेरे ही खर्चे पे हीरो बनने निकला है? जाओ पकड़ लो। नहीं रुक जाओ, इसे मत ले जाओ। रुको रमेश भैया, कृपया करके ऐसा मत करिए प्लीज। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक दिन के लिए और अर्जुन को रखने की इजाजत दे दीजिए। उसके बाद आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। नहीं मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, ले चलो। नहीं रमेश भाई, नहीं मेरी बात सुनो रमेश भाई। नहीं रमेश भाई प्लीज छोड़ो। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। अभी तक इतने दिन तक कहाँ थे तुम? अरे तुमने तो इसे मारने की कोशिश तक की थी। मैंने इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया है, इसलिए मुझे एक दिन और इसे अपने साथ रखने के लिए तुम्हें अधिकार देना ही होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे, बहुत महंगा पड़ेगा। तूने इस रमेश को हाथ लगाया है, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। तू प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, चलो रे। कहीं कोई समस्या तो नहीं आएगी? मुझे उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मौका आते ही असली रंग दिखा दिया ना। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे जाओ उस हाथी को लेके आओ, अब देखते हैं क्या करता है वो। बड़के पट्टू के कृष्ण प्रसाद तुम ही हो? जी सर।
इस हाथी को कस्टडी में लेने के ऑर्डर आए हैं। सर प्लीज, क्या आप इस हाथी के असली मालिक हैं? बोलो हाँ या ना। नहीं सर। ये हाथी का ओनरशिप सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के मुताबिक रमेश इसके मालिक हैं। उनकी शिकायत के आधार पर ही हम इसे लेने आए। सर प्लीज, एक दिन के लिए इसे रहने दीजिए। ले जाओ इसे। चलो जल्दी करो, लेकर जाओ इसको। आज के महोत्सव में सभी का स्वागत है। बस कुछ ही क्षणों में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और यह प्रतियोगिता देवी माता से समर्पित रहेगी। आनंद ले, वो सही समय पर आ जाएगा। तुम दोनों लोग अभी के अभी मंदिर परिसर में जाके चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करके लोगों को संभालो, तब तक हम अर्जुन को वापस लेके आ जाएंगे। ठीक है। देखो सुनो, इससे पहले कि मंदिर बंद हो जाए हमें वहाँ पहुँचना होगा, यही रिवाज है, नहीं तो उनकी जीत मान ली जाएगी, भूलना मत। आऊंगा, जरूर आऊंगा, नहीं तो मुझे मरा हुआ समझना। रमन नायर, आखिर कहाँ है वो? अब तक हमें धोखा तो नहीं दे रहा है वो? छे, ये प्रसाद अभी तक क्यों नहीं आया? अरे वो आ जाएगा ना। रुको उसे, अंदर मत आने देना। रुको रुको उसे, रुको रुको रुको। मैं रमेश जी से मिलना चाहता हूँ। इसकी इजाजत नहीं सर, है। प्लीज नहीं सर, है। प्लीज सर, रमेश जी मुझे अर्जुन को वापस दे दीजिए। मैं नहीं देने वाला हूँ। निकलो यहाँ से। मैं अर्जुन को बिना लिए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज दे दीजिए। नहीं दे सकता। मैं इसे हर हाल में यहाँ से लेके जाऊंगा। हटाओ, छोड़ो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो इसे। अर्जुन, अर्जुन, बहुत देर हो गई उसका इंतजार करते करते, अब क्या करना है? अब क्या है भाई, समय हो गया है, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? वो आ जाएगा। बहुत देर हो गई उसका इंतजार करते हुए, अब क्या होगा? अब तक नहीं आया वो? वो अपना वादा पूरा करेगा, जरूर आएगा। कहाँ है प्रसाद, कहाँ है हाथी, कब आएगा? वो जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो। वो सीधे हाथी को लेकर मंदिर आ जाएगा। हाँ। शांत रहो, वो आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा। चिंता मत करो। क्या हुआ, हाथी की जगह रमन नायर मुकाबला करेंगे क्या यहाँ? हाथी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विश्वास रखो, वो हाथी के साथ जल्दी ही आ जाएगा। बहुत देर हो रही है, कहाँ है वो? वो आएगा या नहीं? अब कोई फायदा नहीं है, वो तुम लोगों के साथ खेल खेल रहा है। असली मालिक तो हाथी को कब का लेके जा चुका है। जब तुम लोगों ने 3 लाख दिए थे ना, तो तुम्हें सोच लेना चाहिए था। अरे अब तो वो पुलिस कस्टडी में है। चलो भागो, भागो। ये लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। धीरज रखो, चिंता बिल्कुल मत करो, बस थोड़ी देर के लिए रुको, वो बस आता ही होगा। अब तुम क्या कहना चाहोगे? हमने इसको लेकर पहले ही चेतावनी दे दी थी, अब बोलो क्या करोगे? क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, किस लिए आए हो, काम क्या है? Shut up, first salute then talk. I am SPC Inspector Babu Shahid. Sir. Now I want police help. Sir. Come on. प्रसाद, 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 मैं तुम्हारे अर्जुन को अपनी कस्टडी में ले रहा हूँ। For what? ये शक के दायरे में है, इसीलिए संदेह होने पर मैं पूछताछ कर सकता हूँ, उसे कस्टडी में ले सकता हूँ, ये एनिमल इंस्पेक्टर का अधिकार है। नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। अनुमति देनी पड़ेगी। नामुमकिन है। हम पुलिस फोर्स इसलिए लेकर नहीं आते, जरूरत पड़ने पर कानून हमें इसका इस्तेमाल करने का अधिकार देती है। आपको समझ में आ गया? मिस्टर रमेश, एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रसाद ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो जोसेफ की मदद से तुम्हारे हाथी को जहर देने की कोशिश कर चुका है। पता है किस लिए? ताकि तुम्हारा हाथी अर्जुन प्रतियोगिता में उसके हाथी को कैसे भी हरा ना पाए। अगर तुम महोत्सव में आते हो तो तुम वहाँ पर अर्जुन की शानदार जीत को देख सकते हो, लेकिन इसके बजाय अगर तुम मुझे उसे ले जाने नहीं दोगे तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अपनी नौकरी जाने की परवाह नहीं है, रबड़ फैक्ट्री अच्छी चल रही है मेरी, मेरी बीवी खदीजा हर मामले में मेरे साथ खड़ी रहती है। डायबोलिक। हाँ प्रसाद, तुम अर्जुन को ले जा सकते हो, चलो उसे सजाओ और पूरे रुतबे के साथ उसे महोत्सव में लेकर जाओ, जल्दी करो। बी डायबोलिक मैन। हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। हमें तो पता था वो धोखा जरूर देगा। वो आपस में लड़ने लगे।
हमने उसे पहले ही 3 लाख रुपए दे दिए। अब मैं उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए आ रहा है। इसकी जिम्मेदारी तुमने ही ली थी, समझ गए ना? सुनो, अब तो भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अरे भगवान नहीं, देवी कहो। अरे मेरा मतलब है कि देवी भी कोई मदद नहीं कर सकती। सही बोला ना? बिल्कुल सही बोला। मालिक अनिरुद्ध के हाथी की। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रुको, उसे दोष देने का कोई फायदा नहीं है। मंदिर बंद होने वाला है, जाके काम आगे बढ़ाओ। मेरे बलराम को ताज पहनाओ जाके। क्यों ना थोड़ा हम और इंतजार कर लें। अरे किस बात का इंतजार, वो नहीं आने वाला। जाके जल्दी मंदिर बंद कीजिए। मंदिर बंद मत करना, सुनो। मंदिर बंद मत करो, मंदिर बंद मत करो। आप लोग थोड़ी शांति बनाइए। मैंने अर्जुन को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया है। अभी भी हमारे पास समय है, तब तक अर्जुन यहाँ आ जाएगा। आप लोग उसका इंतजार करिए, तुम भी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। कैसे भी करके उसे रोको, अगर जरूरत पड़े तो उसे मार डालना, समझ गए? जाओ। सिर्फ 5 मिनट की बात है, मंदिर बंद मत करिए, अर्जुन आता ही होगा। अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। तुम सब कोई चाल चल रहे हो क्या? अब हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं करने वाले। इनकी बात मत सुनो, जाके मंदिर का दरवाजा बंद करो। जाओ। अरे जाओ ना। अर्जुन, आखिर तुमने मेरी इज्जत बचा ही ली। आ जाओ, कौन है? आ जाओ, माफ ले लो। आओ, मापने की कोई जरूरत नहीं है। अंतर तो बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन ही आज का विजेता है। ठीक रखे अर्जुन की। जय हो कृष्ण प्रसाद की। जय हो कृष्ण प्रसाद की। जय हो कृष्ण प्रसाद की। जय जय। देख लो, हमारे अर्जुन को कल से सिर ऊंचा किए खड़ा है। ये 2.5 किलो का हाथ है। ये ले तू, 1, 2, 3। इसमें से 1 अनिरुद्ध को दे देना, बाकी प्रसाद देख लेगा। Help!
मेरे एक इशारे की देरी है, तेरी ही जमीन में तेरी कब्र पा लूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी भी मेरे रास्ते में मत आना। तो जाओ जाओ। अच्छा सबक सिखाया इसे। प्रसाद, इस समय से अर्जुन तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तुमने आज अपनी काबिलियत साबित कर दी है, कोई झूठा वादा नहीं कर रहा। इन गांव वालों और देवी माँ को साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, मैं अब कभी नहीं मुकरूंगा। अर्जुन अब तुम्हारा है। नहीं रमेश भाई, जिस पे मेरा हक नहीं वो मैं नहीं लूंगा। मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम लोग तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं रमेश भाई, एक मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपने मुझ पर शक किया। जा रहा हूँ, आज से मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, हाथी महोत्सव सब कुछ छोड़ रहा हूँ मैं। नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अर्जुन को छोड़कर तुम नहीं जा सकते। बेटा नहीं, उसे मत रोको। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, उसे बुलाएंगे वो वापस नहीं आएगा। उसका दिल हमेशा इन्हीं चीजों में लगा हुआ है, चाहे वो कितना भी दुखी हो, कितना भी गुस्से में हो, चिड़चिड़ा हो। लेकिन एक चीज है जो उसे आराम दे सकती है, एक डायबोलिक आइडिया है। लेकिन राम नायर भूल गए। एक सेकंड के लिए रुकिए। चलो शुरू।